एक बार जल्दी से यार लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो बाकियों को बुला लो ठीक है सभी को बता दो कि क्लास अपनी शुरू हो गई है है ना आज यार मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी पूजा वगैरह थी तो इस वजह से आज मॉर्निंग में क्लास नहीं करी थी हमने हम इवनिंग में कर रहे हैं क्लास बट बहुत जल्दी सारी चीजें फिक्स होने वाली मैं आपको बता दूं आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग बिग है ना अब ये कहोगे कि सर क्या रोज रोज कहते रहते हो नहीं नहीं आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग बिग एंड समथिंग बेटर और इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा मुझे देखो प्लान करने में भी समय लगता है ना और कुछ अच्छे लोगों को मैं और भी आपके साथ में जोड़ रहा हूँ ताकि एक अच्छा पूरी टीम वर्क एक आदमी के लिए सारी चीज़ें संभव नहीं है है ना ये बात मैं मान चुका हूँ तो क्या करेंगे ना कुछ अच्छे लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे ताकि वो भी आपकी मदद कर पाए मैं तो रहूँगा ऑब्वियस बात है मैं मेन रोल में ही प्ले करूँगा बट मैं चाहता हूँ बाकी के भी कुछ और भी लोग हों जो आपके साथ बने रहें और आपके इस प्रोसेस में इस प्रक्रिया में आपकी जो पढ़ाई है उसको मैक्सिमम उसको आगे बढ़ा सकें तो ये मैं काम करने वाला हूँ दोस्तों ये काम हम करने वाले हैं ठीक है बहुत जल्दी सो so, आप लोग सभी आ जाइए फटाफट बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि हम एक अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं करेंगे अभी लॉन्च भी हो होने वाली कुछ चीजें जैसे अभी हम इस शनिवार को सैटरडे को हम बात करेंगे एक आई ऑफिसर से आपको दिखाएंगे उनकी सक्सेस स्टोरी कि किस प्रकार से आप अंतिम अटेम्प्ट में भी आप जो अपना ड्रीम है उसको अचीव कर पाओगे अपने सपने को साकार कर पा पाओगे ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है ये सारी जो चीजें हैं सबके बारे में अपन दोस्तों बात करेंगे अपन चर्चा करेंगे है ना इस सैटरडे को जुड़ना ना भूलें मेरे साथ आपको पता है लिंक मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल के ऊपर साथ ही साथ में मैंने चैनल आर्ट चेंज करा दिया आप सभी को पता होगा तो आप सभी बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों उस उस वीडियो को भी, उस लिंक को भी भी लिंक आप मैक्सिमम शेयर करें उसको लाइक करें बाकियों को भी बताएं कि यार इस प्रकार का इवेंट जो है हम करने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो बहुत सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिलेगी समझने को मिलेगी दोस्तों

और इन चारों चारों चैनल्स के ऊपर मैं आपके साथ बना हुआ हूं दोस्तों और यहां पर हम करते हैं क्लास किसके लिए दोस्तों यूपीएससी के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस की कक्षाओं के लिए दोस्तों हमारा जो गुरुकुल प्रोग्राम था ये हमने शुरू किया था किसी कारणवश बीच में आप लोग छुट्टी पे चले गए थे मेरे को मत बोलना आप लोग छुट्टी पे गए थे तो उसकी वजह से हमने इसको बंद किया था बट नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम अगेन एंड सून यू विल सी द गुरुकुल रिबूट प्रोग्राम हम इसको दोबारा से रिबूट करने वाले हैं और इस बार सिर्फ मैं नहीं रहूंगा बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ने वाले हैं दोस्तों मुझे बस एक हफ्ते का समय चाहिए और पूरी चीज प्लान करके सारी चीज आपके सामने में रख दूंगा साथ ही साथ पर भी हम दोस्तों आपके साथ बने हुए हैं यहां से करते हैं स्पेशल क्लास यहाँ से हम करते हैं स्पेशल क्लास करते हैं साथ साथ प्लस कोर्स प्लस कोर्स की अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स दोनों के लिए ही आपको कोड यूज करना होता है सुमिट टेन ये मेरा कोड होता है इस कोड को आप यूज करते हो दोस्तों आप चाहे स्पेशल क्लास हो चाहे वो आपका प्लस कोर्स हो

और साथ साथ में मेन्स के लिए जो हमारा जीएस पेपर होता है उसके लिए खत्म कर ली है अब हम यहां पर क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं कल से हम यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करेंगे ये खास बात होती है दोस्तों प्लस कोर्स की बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है बहुत ही शेड्यूल्ड होता है और बहुत ही जल्दी यहां पर कोर्सेज जो हैं आपके हो हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्रेडिट भी आप ही लोगों को जाता है क्योंकि पढ़ने वाले सारे बच्चे होते हैं अच्छे से पढ़ाई होती है बेहतर तरीके से हम सारा काम करते हैं साथ ही साथ दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शनल ये भी हमने शुरू कर रखा है इसकी भी कंटिन्यू क्लासेस जो है हमारी चलती रहेंगे क्लाइमेटोलॉजी क्लासेस हम कर रहे हैं दोनों कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड कोड देखो मेरा क्या है आपको पता होगा मेरा कोड है सुमित टेन सुमित टेन कोड यूज कर सकते हैं आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं के किसी भी कोर्स को आप जब ज्वाइन करेंगे यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित सुमिटेन सुमित टेन मेरा कोड है दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और आप जुड़ सकते हैं दोस्तों अन के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बात करते हैं आज की की पहली न्यूज जो है 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 वो स्पेशल से है। स्पेशल मैरिज मैरिज एक्ट एक्ट से मैं बात करता हूं क्या होता है? देखो थोड़े दिन पहले हमने बात किया था हमारे साथ एक मित्र थे देखो ये शादी ब्याह का जब भी प्रोग्राम आता है मेरे पास सवालों की संख्या बढ़ जाती है कमेंट बॉक्स हो चाहे वो मेल हो ईमेल हो मेरे पास संख्या बढ़ जाती है चाहे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट हो मेरे पास सवाल बहुत आ जाते हैं सर एक बार बताओ मैं जी पूछो

अलग अलग पर्सन है ठीक है एक महिला है एक पुरुष है एंड दे टू मैरी वो इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं एक हिंदू है दूसरा मुस्लिम है एक सिख है ठीक है हिंदू है मतलब दो अलग अलग फेथ से बिलीव करते हैं दोनों के ट्रेडिशन अलग अलग हैं दोनों के कस्टम्स अलग अलग है बट दे वॉन्ट टू मैरी वो शादी करना चाहते हैं हम जनरली क्या होता है ठीक है जनरली ऐसा होता है सपोज मैं हिंदू हूं और मैं मैं किसी से शादी मैं मतलब आप आप अपने आप को सपोज कर लो हमारे साथ थे एक बबुआ ठीक है एक बबुआ ए शादी करना चाहता है बबुआ बबुनी बी से तो उस केस में क्या होगा उस केस में होगा क्या कि दोनों जो है वो किसी एक धर्म से मान लो एक धर्म एक एक का धर्म कुछ हो है दूसरे का धर्म कुछ हो रहा है तो जब वो दोनों शादी करेंगे तो एटलीस्ट किसी एक के धर्म के अनुसार शादी होगी कोई भी एक होगा ठीक है जनरली वो होती है लड़के के धर्म के अनुसार जो लड़, लड़का होता है जिस धर्म का उस धर्म के अनुसार शादी हो जाती है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं देखो जब भी इंटरफेथ मैरिज होती है दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं तो उस केस में किसी एक धर्म के अनुसार वो शादी होती है लेकिन हमारे संविधान के अंदर हमारे इस इंटर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में एक प्रावधान है कि अगर आप चाहें तो आप सिंपल कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं आपको किसी स्पेशल ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है भाई दो अलग अलग धर्म से एक धर्म ए से है दूसरा धर्म बी से है तो जरूरी नहीं है आपको धर्म ए के अनुसार शादी करनी पड़े या धर्म बी के अनुसार शादी करनी पड़े कोई जरूरी नहीं है आप सिंपल जाइए आप क्या कीजिए आप नॉर्मल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में आप जाके कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं ठीक है आप देखना मेरे पास सवाल आएंगे सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाए क्या आधार कार्ड जरूरी है मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो क्या मैं पासपोर्ट लेके जा सकता हूं क्या गवाह की जरूरत भी पड़ने वाली है ऐसे सवाल मेरे से पूछेंगे देखना भी ठीक है ऐसे सवाल बहुत आते हैं मेरे पास और ये आज से नहीं है दोस्तों ये पिछले चार साल से जब भी मैं ऐसा कोई विवाह संबंधी टॉपिक पढ़ाता हूं ना बहुत सारे लोग हैं जिनकी आत्माएं जाग जाती है उनकी भावना को मैं छेड़ देता हूं उनके वो जो सुर हैं तार जो हैं वो छेड़ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं उनको सर ही उम्मीद की किरण दिखाई देते हैं अभी ऐसे बहुत सारे घायल शिकारी बैठे हैं सामने जिसको ये इंटर स्पेशल ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट का नाम लेते हैं उनको बस मैं ही दिख रहा अभी कि सर से कुछ पूछ लेंगे और मेरे पास कम से कम कम से कम बता रहा हूं मैं पंद्रह से बीस मेल ऐसे जरूर आने वाले हैं

मतलब मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा तो मेरे पास ऐसा पूछना भी मत ऐसे क्वेश्चन भेजना भी मत है ना मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको मैं आपको किसी भी इस प्रकार की गतिविधि के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं है ना कहीं हो अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे तो उनके पेरेंट्स भी कहेंगे ये ये मास्टर बड़ा हरियाणा में देख लें तो यो मास्टर बड़ा बेकार है यो देखियो बड़कन किसी शिक्षा दे है है ना ऐसा हो जाता है ना ऐसे भड़क जाते हैं पेरेंट्स यो किसा मास्टर है देखियो बड़कन किस किसी बात पढ़ा हुआ है हरियाणा में ऐसे बोलेंगे ना बिहार में भी कुछ ऐसा बोलेंगे कि बबुआओं और बबुनी को क्या क्या शिक्षा दे रहा है ना ऐसी चीज तो दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं चर्चा करते हैं एक डिस्क्लेमर भाई साहब मेरे पास कोई कुछ नहीं पूछेगा ठीक है ना हाँ ये बात भी सही है आपने बिल्कुल युवराज शर्मा ने बिल्कुल सही बात लिखी है ये बात भी सही है हाँ पहले वो उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा ठीक है तो वो क्षमताएं लानी पड़ेगी ठीक है ना आजकल तो भाई साहब शादी के लिए पहले सरकारी नौकरी जरूरी है ना यानी डॉक्यूमेंट तो बाद में देखना पहले सरकारी नौकरी देख लो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है है ना सरकारी नौकरी होनी चाहिए मतलब आजकल तो फैशन ऐसा हो गया हरियाणा में सरकारी का टैग होना चाहिए चाहे सरकारी सांड हो समझ सरकारी का टैग होना चाहिए सरकारी है तो फिर कुछ भी चलता है आजकल मेम नहीं रहते हैं देखते हो ना सरकारी नौकरी का जलवा एक मतलब ऐसा काला सा हस्बैंड होता है मतलब न मैं सॉरी मतलब किसी पे मैं कमेंट नहीं कर रहा बट उसमें दिखाया जाता है ऐसा स्टीरो दिखाया जाता है ठीक है मतलब दोनों बिल्कुल वो सिमिलर नहीं होते ठीक है जो हस्बैंड वाइफ है सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया दोनों सिमिलर नहीं होते ठीक है ऐसे दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं होते पति और पत्नी लेकिन उनको दिखा दिया जाता है और लिखा जाता है कि सरकारी नौकरी का कमाल तो अगर आप भी ऐसा जादू चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो सरकारी नौकरी को ले लीजिए और दोस्तों जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना यूपीएससी अगर समझो ये आपने कर लिया तो आप दुनिया जहान जीत लोगे समझ रहे हो अगर ये आपने कर लिया आप दुनिया जीत लोगे आप जगत जीत लोगे समझ रहे हो ना इसके बाद तो छोड़ो फिर क्या ही है फिर तो जिंदगी तुम्हारी अलग ही तुम राजा बन जाते हो यार ठीक है ना चलिए भाई आओ सारे शिकारियों आपको पढ़ा देते हैं इस टॉपिक के बारे में तो दोस्तों ये इश्यू है रिलेटेड विद द सोशल जस्टिस मैं आपको कोई शादी ब्याह का ज्ञान नहीं दे रहा हूं बट आपकी उम्र हो रखी है तो आप इससे थोड़े मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ठीक है माफी चाहूंगा आपसे आपकी भावनाओं को मैं जो है रोज कुरेद रहा हूं बट क्या करूं टॉपिक है तो पढ़ाना पड़ रहा है देखो अभी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट आई है दोस्तों किसकी दोस्तों हाई कोर्ट की किसके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट उन्नीस हिंदी इंग्लिश दोनों वालों की बात है मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल ही कर रहा हूं ठीक है बोलता मैं हिंदी में हूं वो भले ही मैं इधर निशान निशान लगाऊं लगाऊं या इधर इधर फर्क नहीं पड़ता मैं इधर खड़ा होता हूं राइट में मेरे ये होता है उस साइड जगह कम है इस साइड जगह ज्यादा होती है बस ये बात है अदरवाइज मैं इस साइड भी खड़ा हो सकता हूं बट इधर जगह कम होती है मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं ऐसे ठीक है कैमरे की तरफ मैं देख नहीं पाता तो ऐसा इधर भी ऐसा ही लिखा हुआ है विवाह जो विशेष विवाह अधिनियम उन्नीस उसके तहत में शादी करने की चाह रखने वाले यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा चाह रखने वाले अंतर विश्वास वाले जोड़ों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला लिया किसने इलाहाबाद <laughs> उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय के नाम की अगरबत्ती जला देना यार ठीक है कई आप लोगों कई लोग हैं ऐसे हमारे कई छात्र जिनकी सपनों की उड़ान को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है

और शी टू मैरी ठीक है हम भाई शादी करना चाहते हैं तीस दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा है ना आपका जो नोटिस है साथ ही साथ में सुनो मेरी बात ये तो ठीक है इंटरफेथ हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेम ब्लड लाइन के अंदर में शादी कर रहे हो वो मान्य नहीं होगा ऐसा है सामाजिक मत करना ठीक है तो उस केस में थर्टी डे बिफोर आपको करना पड़ता है और इस चीज का नोटिस उस विभाग के नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है ठीक है उसमें क्या होता है कोई भी व्यक्ति जिसको आपत्ति हो वो उन तीस दिन के अंदर में आपकी शादी के विरोध के अंदर कोई भी बात जो है वो लिख सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसका विरोध कर सकता है अगर उसका विरोध जायज हुआ तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा और अगर आपकी बात सही हुई आपके जो संबंध है उसमें अगर बल हुआ ठीक है अगर प्रेम प्रसंग आपका मजबूत है तो शादी आपकी क्या हो जाएगी हो जाएगी अब इसमें पता दिक्कत क्या थी दिक्कत ये थी कि जब ये नोटिफिकेशन बोर्ड पे लगती है ना तो उसमें पता चल जाता है दोनों प्रेमी जोड़ो के बारे में कि भैया एक इस धर्म से और एक इस धर्म से फिर कुछ उग्रवादी किस्म के लोग होते हैं गलत असामाजिक तत्व तो जो होते हैं इधर ये दल वो दल वो क्या करते हैं फिर उनको परेशान करते हैं ठीक है कि तुम इंटरफेथ मैरिज क्यों कर रहे हो डराते हैं धमकाते हैं ठीक है तो उन चीजों से परेशान होकर ये सारी जो चीज है वो न्यूज में है अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ठीक है ये सूचना देना ठीक है कि वो है नहीं है नोटिस बोर्ड पे लगाना ये टोटली ऑप्शनल ऑप्शनल होगा ठीक है ये ऑप्शनल होगा ये मैंडेटरी नहीं है अगर वो नहीं देना चाहते तो मत दो बिकॉज ये उनके राइट टू प्राइवेसी के क्या होगा दोस्तों अगेंस्ट होगा तो ऐसा करना बिल्कुल भी जो है वो मैंडेटरी नहीं है ये एक ऑप्शनल चीज है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट वॉज वन ऑफ दी अर्लीस्ट एंडेवर टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड अब काफी लिए हो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इंपॉर्टेंट बात हुई है जो भीम जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी इसकी बात की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ठीक है इन्होंने बात की थी ठीक है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा होना चाहिए और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में बात भी रखी थी कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम भी करना है लेकिन ये सरकार की इच्छा पे था आर्टिकल 35 में बोला गया कि कोई बात नहीं ये सरकार को पावर है कि अभी नहीं तो बाद में कभी भी ऐसा कर ले सरकार इसके लिए कदम उठा भी रही है उन्नीस के अंदर में सरकार ने जो इंटर मैरिज एक्ट पास किया था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक कानून था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक है ना सिविल कोड का मतलब क्या है सिविल कानून ठीक है सो so, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कानून पूरे भारत के सभी वर्ग के लिए समान समान कानून हो जैसे देखो अलग अलग धर्म के वैसे अलग अलग अपने पर्सनल लॉ भी होते हैं हिंदू कोड ऑफ लॉ अलग होता है ऐसे ही मुस्लिम में भी अलग जो है कुछ कानून होते हैं सो वो ना हो एक यूनिफॉर्म लॉ हो सबके लिए दोस्तों तो उसकी परिकल्पना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी और उसको धीरे 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 सरकार क्या कर रही है इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है तो मुद्दा यही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला भैया कि स्पेशल मैरिज एक्ट उन्नीस के तहत में जो इन्फॉर्मेशन देने की बात है वो ऑप्शनल है दैट इज नॉट मैंडेटरी अगर प्रेमी जोड़ा प्रेमी युगल चाहे तो वो दे सकता है ये इंफॉर्मेशन और उसका मन ना कर रहा तो ना दे कोई बाध्य नहीं करेगा ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट था ये सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ में एक पहला कदम था जो सरकार ने इस दिशा में उठाया था स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है मैं बता देता हूं इट अलाउज सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज विदाउट गोइंग थ्रू द एनी रिलीजियस कस्टम और रिचुअल्स देखो किसी भी एक स्पेशल धर्म के अनुसार आपको शादी करने की कतई जरूरत नहीं है ठीक है मैं हिंदू हूं और मैं किसी अलग धर्म के उसे व्यक्ति से अगर मैं मतलब महिला से मैं शादी करता हूं ऑब्वियस बात है महिला से करूंगा अगर मैं शादी करता हूं तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार हो या उनके ट्रेडिशन के अनुसार हो इंडिपेंडेंटली कोर्ट के अंदर जाकर रजिस्ट्रार के समक्ष शादी की जा सकती है विदाउट एनी रिचुअल किसी एक धर्म के रिचुअल या कस्टम्स को मानने की आवश्यकता हमें नहीं है द द द स्पेशल मैरिज एक्ट इज लेजिस्लेशन मेड टू वैलिडेट रजिस्ट्रार रजिस्टर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया देखो इसका उद्देश्य ही यही था कि भारत के अंदर में हमें अंतर जातीय और अंतर जातीय विभाग को मान्यता प्रदान करनी और उनको पंजीकरण देना है यही इसका क्या था दोस्तों Basically, उद्देश्य था इट अलाउस तो ऐसी बात होगी ना कोई लीगल मतलब वो हो गया ना contract से ऐसा लग रहा है ना ठीक है जबरदस्ती सिस्टम लग रहा है तो बेसिकली ये क्या करता है ये दो इंडिविजुअल जो होते हैं ठीक है जो दो प्रेमी प्रेमी लव बर्ड्स होते हैं उनको आपस में शादी करने का ये एक अधिकार प्रदान करता है थ्रू सिविल कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट करो एक पे, पेपर पर कागज पे, पे दस्तखत करो ठीक है कि भैया अगले जिंदगी का जो टाइम है ठीक है वो एक दूसरे के साथ में झेलेंगे एक दूसरे को और क्या है ये काम जो है वो किया जाएगा नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर नीडेड टू बी कैरिड आउट अंडर द एक्ट इसके तहत में किसी भी प्रकार के रिलीजियस फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं देखो मैंने ये क्यों बोला कि आगे झेलेंगे देखो ये मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं अगर आप मुझे दो मिनट का समय देता कुछ समय पहले ना मेरठ पढ़ाने जाया करता मैं ठीक है मेरे एक दोस्त का इंस्टीट्यूट होता था था तो तो मैं मैं पढ़ाने जाता मेरठ में तो मेरे साथ बहुत सारे अन्य अध्यापक भी जाते थे अब मैं सबसे छोटा था सोचो आज से चार साल पहले की बात बता रहा हूं ठीक है मेरी आज जो एज है मैं उससे भी चार से पांच साल पहले मैं बिल्कुल बच्चा होता था तो सब लोग जो बात करते थे ना गाड़ी में बैठे तो वो सब ऐसे ही मतलब दुखी टाइप रहते करते मतलब थे सब दुखी थे शादी से तो सबकी बात से ऐसा लगता था बहुत परेशान है बेचारे एक दिन मैंने हिम्मत बना के पूछ लिया वहां सर जी एक बात बताओ कभी तो हमारी भी होगी है ना मैं कहा पहले तैयार रहना आवश्यक है मैं कहा एक बात बताओ ऐसा क्या है मतलब डरते क्यों ऐसा मतलब ये क्यों है तो कहता होगी शादी में नहीं शादी नहीं हुई है मैं कोई गर्लफ्रेंड फिर मैं चुप रहा मैं कुछ बोला नहीं गर्लफ्रेंड मैं चुप रहा बिल्कुल सर सन, सन्नाटा छा गया फिर उन्होंने मेरे को एक उदाहरण दिया कि कायर होते हैं वो लोग जिनकी गर्लफ्रेंड होती है हिम्मत वाले लोग शादी करते हैं और फिर मैदान में आते हैं उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में यार शादीशुदा आदमी कितना भार होता है ठीक है है उस दिन मैं समझ पाया कि उनकी जो दुख है, उनका जो दर्द है वो कितना है ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूं झेलेंगे वो सो नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर टू बी आउट अंडर द एक्ट इसके अंदर में कोई किसी भी प्रकार की आपको रिलीजियस फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है ये इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज दोनों के ऊपर आधारित है दोनों के ऊपर लागू रहेगा मतलब एक कास्ट से दूसरे कास्ट में भी और एक धर्म से दूसरे धर्म दोनों के ऊपर अंतर जाति और अंतर धर्म विवाह दोनों के आवेदन इसके तहत में पूरे किए जा सकते हैं इश्यू मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ठीक है ये जो नोटिस का अनिवार्य प्रकाशन है इसका मुद्दा क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों देखो इट वुड फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी भैया दो आदमी वो शादी करना ऑब्वियस बात है आदमी है और एक महिला है वो शादी करना चाहते हैं और उनकी अगर वो नोटिस बोर्ड पे चिपका देंगे बाहर में और अगर वो इंटरकास्ट होंगे और इंटर रिलीजन से होंगे तो कुछ असामाजिक तत्व जो धर्म का और जाति व्यापार जाति का धंधा करते हैं वो क्या करेंगे उनको परेशान करेंगे और अल्टीमेटली उनकी जो राइट right है जो लिबर्टी है जो प्राइवेसी है उसके क्या होगा अगेंस्ट होगा जो ठीक नहीं है तो इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है इंक्लूडिंग विदाउट इंक्लूडिंग विद इन द देयर ऑफ फ्रीडम टू चूज फॉर द मैरिज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ द पर्सन कंसर्न ठीक है अगली बात करते हैं इट इज अ मैटर रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन और देखो ये मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट right का सवाल है ना रिलेटेड ये जो फंडामेंटल राइट right आप जानते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों तो इसीलिए ये कानून जो है इसमें बदलाव किया है अलाहाबाद कोर्ट ने सुधार किया है क्योंकि ये मुद्दा जो है दोस्तों ये मुद्दा बड़ा है ये मुद्दा है बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का इसीलिए ये फैसला जो है आपका लिया गया है ये बड़ी संख्या में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामला है मैंने क्या बताया आपको दोस्तों देखो बात सेम है है ना हिंदी इंग्लिश आपको मुद्दा समझ आना चाहिए पीडीएफ मैं आपको दे ही देता हूं आप उसमें से बैठ के पढ़ सकते हो पूरी न्यूज को समझ सकते हो ठीक है मैं खाना ऐसे खाऊं सीधा या यूं 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 घुमा के के टांग के नीचे से करके खाऊं बात बराबर पे, जाना पेट में पचेगा है ना मैं इधर लाइन खींच दूं या मैं इधर लाइन खींच दूं बात वही है जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो ठीक है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो मैं क्या कहने की बात कर कोशिश कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या ही इंपॉर्टेंट है है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों ये ये क्या कहता है? ये कहता है है कि यार जितने भी भारत के अंदर में समुदाय है ठीक है जितनी भी कम्युनिटी है उनके एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए विवाह संबंधी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस संबंधी अडोप्शन संबंधी डिवोर्स संबंधी सबके कानून समान होने चाहिए है ना हिंदू में अलग कानून है मुस्लिम में अलग कानून है सिखों में अलग कानून है ईसाइयों में अलग कानून है तो ऐसा अलग अलग ना हो सिविल लॉ सबके क्या हो समान हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी परिकल्पना की थी लेकिन उस समय ये मुश्किल था तो यह भारत के जो आगामी लीडर्स थे उनके एक्ुमन पे छोड़ा था पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा था कि इसको बाद में किया जाए लेकिन हाँ स्टेट को एडवाइज जरूर किया था कि भैया आपको डीपीएसपी के अंदर इसको रखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखो और भविष्य में इन चीजों को जरूर आप भारतीय संविधान के तहत में क्या करो इंक्लूड करो इसीलिए इसको आर्टिकल 44 के अंदर बोला गया कि भारत का आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार को कार्य करना है द कोड कम्स फ्रॉम आर्टिकल फोर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं बता रहा हूं आपको विच लेस डाउन दैट द स्टेट सेल इंडेबल टू सिक्योर अफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू द टेरिटरी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना ये कोशिश करनी है आर्टिकल चौवालिस यही है कि राज्य जो है भारत के अंदर में जो अलग अलग डाइवर्स हमारे ग्रुप है ना उनके अंदर में हार्मोनाइजेशन करने का प्रयास करेगा दोस्तों ठीक है भारत के जितने भी ग्रुप हैं और सबके लिए एक समान आपका यूनिफॉर्म युनि, सिविल कोड बनाने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द दलरेबल ग्रुप सिद्धांतों में, में, में अनुच्छेद चवालीस का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि जो हमारे कमजोर जो, कम समूह है उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसको आपको संबोधित करना है और साथ ही साथ देश भर के अंदर में विविध सांस्कृतिक समूहों का सामंजस्य स्थापित करना ये उनका उद्देश्य आर्टिकल चवालीस के अंदर में कहा गया है कि भारत के अंदर जितने भी अलग अलग जातिगत अलग अलग समूह हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है दोस्तों एक सामंजय हमें स्थापित करना है हेलो हम्म माइक का ना ऊपर का वो टूट गया है इसलिए अजीब आवाज आ रही है क्या मैं एक बार चेक कर लेता हूं एक्चुअली वो माइक के ऊपर रहता है ना यार वो फट गया है बिल्कुल पूरा ठीक है कवर जो होता है ना तो चलो उसको भी फिक्स करते हैं मैनेज करते हैं कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की है ना हाँ हाँ उसको यार आज आज मैनेज कर लो ठीक है नहीं माइक ठीक है एक्चुअली माइक ठीक है बट हुआ क्या है ना ये माइक के जो ऊपर लगता है ना ये ये निकल गया है यार तो वो हवा जा रही है ना उससे तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हुं? तो आज आज मैनेज करते हैं ठीक है कल इसका भी कुछ समाधान कर लेंगे हम ठीक है ना ओके सो so, आर्टिकल 44 का ये ऑब्जेक्टिव था साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए बट उस समय पे वो पॉसिबल नहीं था तो उसने कह दिया कि बाद में ठीक है 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 ये सरकार सरकार आगामी सरकार जो है, वो देख लेंगी इसके बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है रिलेटेड सर्च में आपको आर्टिकल नंबर पैंतीस के ऊपर चर्चा करनी है दोस्तों ध्यान से पढ़ना है ठीक है मां कसम है तुम्हें ठीक है या कसम है तुम्हें जिनके साथ में तुम ये पीछे का टॉपिक साकार करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है आपको टॉपिक पढ़ना है ठीक है आर्टिकल 35 के ऊपर रिसर्च अगर आप ये पढ़ लेते हो दोस्तों, तो इस संबंध के सारे टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं क्लियर हो जाते हैं ठीक है थीके? मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं यार मेरे को तो कोई फायदा है नहीं तो आप ही बोल रहा हूं दोस्तों मैं चाहता हूं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो करंट अफेयर की So, what is special marriage act? 1954 ये क्या है? है 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 इसके बारे में में, पूछा पूछा जा सकता है पेपर में. है ना, पूछा जा सकता सकता आपसे आपसे पेपर ना? इस civil law criminal law? आपको दिमाग में रखना है प्रुलिम्स के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वट आर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं ठीक है सिविल लॉ मतलब दीवानी मामले जब आप दीवाने रहते हो जमीन जायदाद के मामले और दीवानगी ज्यादा सर पर चढ़ जाती है सिविल मामलों में तो क्या करते हो आप पड़ोसी को चटका देते हो सर्वर फोड़ देते हो उसका फिर मामला कैसा चलता है क्रिमिनल फौजदारी मामला तो ऐसे याद रखो इनको वट आर द विद द मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ठीक है ये क्या है क्या है ये मुद्दा कि किस प्रकार से आपको नोटिस बोर्ड पे अगर दो इंटरफेथ इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन के लोग मैरिज कर रहे हैं तो उनका जो सारा चिट्ठा है वो बाहर नोटिस बोर्ड पे लगेगा ये बात भी आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 44 पेपर में याद रखना है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है साथ साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ फीचर्स ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक ये प्रोलिन स्पेसिफिक अगर मैं पेपर दूंगा तो मैं इन चीजों को ध्यान में रख के जाऊंगा इस टॉपिक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली है दोस्तों होबारा बस्टर्ड बस्टर्ड ये आपका सही सुना आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ना ये दूर की रिश्तेदार है उसकी मेरे ख्याल में फूफा की लड़की है ये ठीक है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना जो अपने इंडिया में राजस्थान गुजरात वाले इलाके में पाई जाती है उसकी दूर की मामा के चाचा की बुआ की फूफा की बेटी है ये ठीक है तो इससे क्या मुद्दा है मैं बता देता हूं मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के अंदर में पाई जाती है पहली बात तो और दूसरा यह पाई जाती है अरब के देशों के अंदर है ना और अरब के जो हबीबीज हैं ठीक है हबीबी 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 इसका शिकार करती हबीबी क्या करती हबीबी इसका शिकार करती इसको मार के खाती इसका मीट पसंद करती हबीबी हबीबी अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसका शिकार करती तो जो खराब है जो गलत चीज है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और पाकिस्तान लीगल तौर पे पहले 2015 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था तो इसके शिकार पर इसको मारने बिल्कुल अवैध कर दिया इसको प्रोटेक्शन दिया लेकिन पाकिस्तान है आपको पता है कुछ भी हो सकता है फिर बाद में इसको बदला गया नहीं भाई कि इसको मारो ठीक है इसको मारो तो अब क्या किया जाता है पाकिस्तान के जो लोग है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ये दुबई के यू के जो हबीबी है जो हबीबी होती जिनके पास बहुत पैसा होती उनको पाकिस्तान में बुलाती उनको वीजा देती और इन वर्ल्ड को शिकार करने का अधिकार देती है अब वो हबीबी इधर पाकिस्तान में आती नॉर्मल रेट फिक्स कर रखा है पता क्या दस दिन की सफारी आप करो मतलब दस दिन घूमो ठीक है दस दिन घूमो और बदले में आप हंड्रेड ये ये जो होती हमारी होबारा बस्टर्ड होती इसको मारती ये, ये मैं क्या कर रहा हूं ऐसा मतलब उन्होंने एक वो जारी कर रखा है लाइसेंस देते हैं कि दस दिन की सफारी में आप सो होबारा बस्तर को मार सकते हो ऐसा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री लाइसेंस देती है ये बड़े बड़े जो अमीर लोग आते हैं जो हबीबी आते हैं कहां से जो इराक 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 बोल रहा हूँ जिधर से दुबई से यूएई से आते हैं ना उनको बुलाते हैं इन्विटेशन देते हैं पहले तो उन्होंने अपनी मारी अरब में था ना वहां पे तो अपनी ये जो होबारा बस्टर्ड थी इनको मारा अब वहां पे खत्म हो गया वहां कम बची है तो अब पाकिस्तान उनको इनविटेशन भेजता है कि आ जाओ इधर आ जाओ इधर आके मारो दस दिन में हम आपको हजार दस दिन के अंदर सो होबारा बस्टर्ड मारने की अनुमति देते हैं अब वो आते हैं अपने गियर लेके बंदूक बंदूक जो भी है फैलकोन वगैरह धनुष वनुष लेके आते हैं और इनको मारते हैं ठीक है और लिमिट है सो मारने की लेकिन भाई जब मारने की परमिशन है तो वो सो से ज्यादा मारते हैं ठीक है वो अभी भी इधर आती और वो सो से ज़्यादा मारती ठीक है और वो एक बड़ी समस्या होती है ना तो इसी के ऊपर ये मुद्दा है दोस्तों इसी के ऊपर ये इश्यू है चर्चा के अंदर कि किस प्रकार से यूएई के ये जो अमीर लोग हैं जो शेख लोग हैं ये पाकिस्तान में जाते हैं और एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी का क्या करते हैं दोस्तों शिकार करते हैं इसको मारते हैं फॉर देर एंटरटेनमेंट और उनको ऐसा लगता है कि इनका मीट में कुछ अलग ही रूहानी ताकतें हैं

अभी पाकिस्तान में पहुंचे हैं पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक के अंदर में बलूचिस्तान के अंदर है सैटरडे के अंदर किसके लिए टू हंट द इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड एंड हाईली वनरेबल हुबारा बस्टर्ड अंडर द लाइसेंस इश्यूज बाय द पाकिस्तान फॉरेन मिलिट्री पूरी दुनिया तो प्रोटेक्ट कर रही है इसको पूरी दुनिया इसको बचाने का प्रयास कर रही है बिकॉज इट इज इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री लाइसेंस जारी कर रहा है कि दुबई के शेख आओ और इसको मार के जाओ ठीक है उनके लिए है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा जो लार्ज एरिया है वो दुबई के शेखों को ऐसे किराए पे दिया जाता है जहां वो सफारी करते हैं और अपने पर्पज एंटरटेनमेंट के लिए इनको क्या करते हैं दोस्तों हंट करते हैं अभी ग्यारह आए हैं इसीलिए बात में बता रहा हूं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन भी लगाया था इसके ऊपर होबारा बस्टर्ड 2015 में कि कोई नहीं मारेगा बट वो बाद में रिवर्स कर दिया गया हटा दिया गया ठीक है अब अभी भी आती और बहुत मारती द होबारा बस्टर्ड इज लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड्स विच इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ एशिया एंड मिडल एंड अफ्रीका ये जो बस्टर्ड है बस्टर्ड ये एक बड़ा स्थलीय पक्षी है 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 का मतलब क्या होता स्थल पे पाया जाता है। एक बड़ा स्थलीय पक्षी दोस्तों स्थल पे पाया जाता है ये एशिया के अंदर मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये आपका पाया जाता है ये बात आपको समझनी पड़ेगी नॉर्थ अफ्रीका होबारा ठीक है ये इसका साइंटिफिक नेम है एंड एशिया का हुबारा बस्टर्ड जो है दे आर द सेपरेट स्पीसीज ये दोनों अलग अलग हैं एक तो अरब अरब के अंदर पाई जाती है वो अलग है और ये जो एशिया में पाया जाता है ये अलग है लेकिन है सेम ही मतलब चाचा की बुआ के मामे फूफ फूफ बेटी है हमें नहीं पता लेकिन है एक ही परिवार से लेकिन अलग अलग है ये बात समझ लो आप एशियन हुबारा इज रिलेटेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो एशियन हुबारा है ये भारत में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको हमने हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया है उसकी चाचा की मामा की बुआ की बेटी की फूफी की बेटी है ये ये बात आपको याद रखनी है ठीक है अरे मतलब कनेक्टेड है रिलेटिव है ये लिख रहा है एशियाई होबारा भारत में गंभीर रूप से जो लुप्तपरा है महान भारतीय बस्टर्ड से क्या है दोस्तों संबंधित है करंट पॉपुलेशन इनकी बहुत कम हो रखी है दोस्तों ठीक है ऐसे कम तो नहीं है वहां तो बहुत है इसलिए मार रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन आई एफ एच एस रफली बयालीस हजार एशियन होबारा बस्टर्ड आर ओवर बाईस हजार ऑफ द नॉर्दन अफ्रीकन बस्टर्ड रिमेन्स टूडे आज अगर देखें तो बयालीस हजार एशियन होबारा बस्टर्ड बची हैं और बाईस हजार अगर अगर हम देखें तो ये आपकी नॉर्थ अफ्रीकन होबारा बस्टर्ड बची है लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा ही करते गया दोस्तों तो समझ लो ये बचेंगे नहीं बेचारे है ना सो ये एक मुद्दा है और मुद्दा है इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं मैं आपको समझ में आना चाहिए रीजन क्या है decline का, है ना देखो किसी भी species का decline का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आजकल दोस्तों? दोस्तों वो वो होता है, उनका habitat, destruction. वो मुद्दा होता है है उनका मुद्दा कि उनमें human का इंटरफेरेंस तो यही यहां पर भी वही है यहां पर अनरेगुलेटेड हंटिंग हंटिंग ऊपर से रेगुलेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ये मुख्य कारण है दोस्तों रीजन क्या है डिक्लाइन का अनरेगुलेटेड हंटिंग देखो बिना मतलब में किस प्रकार से या? है ना बताओ दस दिन की सफारी करो सो पक्षी मार के जाओ ये का, 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 कौन सा लाइसेंस हुआ है लेकिन ले, इशू होता है लाइसेंस ऐसा पाकिस्तान के अंदर में ठीक है ये उल्टी सीधी चीज पाकिस्तान में ही होती है है ना बताओ क्या मतलब हुआ इनका है ना तो ये मेन कारण है इज़ द होबारा बस्टर्ड इज हंटेड इन पाकिस्तान ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है ठीक है ये क्यों होता है मैं बता देता हूं दोस्तों राष्ट्र अर तो अरब अमीरा अरब और अन्य जो खाड़ी देश के धनी लोग होते हैं इनको पाकिस्तान में बड़े बड़े विशाल भूमि के ब्लॉक अलॉट किए जाते हैं कि आओ और शिकार करो हबीबी को बुलाती इनको लाइसेंस देती और इनसे शिकार करवाती इसके बाद दे अराइव इन द कंट्री टू हंट द बर्ड एवरी ईयर यूज इंग द हंटिंग आते हैं ठीक है अपना अपना माल पानी लेके सामान लेके और ये आके क्या करते हैं इन पक्षियों को क्या करते हैं दोस्तों हंट करते हैं समझ में आ रही बात आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों की पॉइंट क्या है पाकिस्तान इन्विटेशन देखो लगातार पिछले चार साल से चालीस साल से पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कि जो विदेश के जो ये धनी लोग हैं इनको बुलाता है ठीक है इनको वीजा देता है और इस प्रकार के शिकार के लिए उनको आमंत्रित करता है ठीक है मुझे तो ये बात बहुत गलत लगती है

लाइसेंस दिया, लाइसेंस दिया जाता है है? कि आप को क्या कर सकते सकते हो, हो, मार ठीक अभी भी होती अभी भी नहीं मानती अभी भी ज्यादा मारती आगे बढ़ते हैं दोस्तों so, क्या करना है दोस्तों आपको अरब कंट्रीज देखनी है आपको मैप में कितनी कंट्रीज हैं जो अरब कंट्रीज हैं आपको मैप के अंदर उन सब के बारे में दोस्तों क्या करना है देखना है दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे देखेंगे मेरी बात को समझ पाएंगे आप है ना और जरूर इस पर ध्यान देंगे नहीं तो हभी भी शिकायत करती मैं आगे अगर पढ़े होबारा बस्टर्ड का हैबिटेट कहां कहाँ पाया जाता है ये आपको वो ध्यान से देखना है वैसे मैंने बता ही दिया बलूचिस्तान वाला जो पार्ट होता है बट फिर भी देख लेना और इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन इसके बारे में हमने बात की है ये क्या है इसके बारे में देखना है आपको ठीक है चलिए अब जब मैं प्रलिम्स के हिसाब से पढ़ूंगा तो मुझे पता होना चाहिए किस प्रकार का बस्टर्ड है होबारा बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है क्यों ये कम हो रहा है कहाँ पे पाए जाते हैं इनकी वर्तमान की जनसंख्या क्या क्या है किस देश के अंदर में ये सबसे अधिक पाया जाते हैं और ये पाकिस्तान से संबंधित क्या इशू है है ना तो ये करंट का न्यूज हो गया कंजर्वेशन से रिलेटेड और ऐसे मुद्दे पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर में ठीक है तो इसीलिए मैं आपसे पूछती ठीक है तो आपको भी ध्यान में रखनी होती चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्लू गैस डी इसमें क्या होता है देखो मेरे दोस्तों जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना जिनसे हम बिजली बनाते हैं ना बिजली का उत्पादन करते हो आप तो जब बिजली का उत्पादन आप करती बिजली का उत्पादन आप जब करते हो ठीक है तो क्या होता है दोस्तों उसके अंदर आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं दोस्तों कोयले का इस्तेमाल हम इस्तेमाल हम उसमें करते हैं जब कोयला आप जलाते हो दोस्तों तो उस कोयले से बहुत प्रकार की जो गैसेस है बहुत प्रकार की वो निकलती है और गैस के अंदर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है एसओ टू बहुत खतरनाक होती है आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक होती है ठीक है तो उसको कम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं है ना भारत ने एक डेडलाइन फिक्स की थी कि 2007 तक हम उस स्टैंडर्ड को अपना लेंगे और हम ऐसे मीजर्स का इस्तेमाल कर लेंगे जिससे इन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से एनवायरनमेंट के अंदर में ये जो सल्फर गैस है ये ज़्यादा रिलीज़ ना हो डी सल्फराइजेशन के लिए बात करेंगे डी मतलब निकालना कि इसको हम सल्फर को निकाल लेंगे ऐसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि जो थर्मल पावर प्लांट से जो हमारी फ्लू गैस ओरिजिनेट होती है उनको हम कोशिश करेंगे क्या करने की उसको डिसल्फराइजेशन करने की उनमें से सल्फर को हम बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे ठीक है ऐसा भारत सरकार ने डिसाइड भी किया था चलो ये टॉपिक पढ़ते हैं से रिलेटेड तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना मेरा धर्म होती, तो मुझे आपको पढ़ाना होती आगे चलते हैं दोस्तों पढ़ते हैं फ्लू गैस बैक डेडलाइन फॉर अडोप्शन ऑफ द एमिशन नॉर्म्स देखो हुआ क्या है मैंने आपको बताया जितने भी हमारे कोलफायड पावर प्लांट है जो कोयले से संचालित पावर प्लांट है हमारे जो बिजली मंत्रालय ने कहा है कि जो कोयले से चलने वाले हमारे बिजली संयंत्र है ना उनके लिए हमने नए उत्सर्जन उत्सर्जन मतलब जो उनमें से गैसेस बाहर निकलती हैं नए उत्सर्जन आपको हमें क्या बनाए हैं हमने मानदंड बनाए हैं अब सरकार चाहती है इनकी सीमाओं को थोड़ा बढ़ा दिया जाए यार आगे कर दिया जाए क्योंकि अगर अभी हमने इनकी सीमाओं को मानने का प्रयास किया अगर अभी हमने हमनेशियन पैरामीटर को माना तो ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास और बाहर से मंगवाएंगे महंगी होगी तो वो हमारे पास महंगी टेक्नोलॉजी होगी तो खर्चा बढ़ जाएगा और बिजली के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं इसीलिए बिजली मंत्रालय ने कहा है कि ठीक है थोड़े दिन तक बाद में देखते हैं इसको बाद में मानेंगे ठीक है जो कोल फावर फायर्ड पावर प्लांट है इनके अंदर में हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या एमिशंस के ऊपर हम काम कर सकते हैं बाउट फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन थोड़ा समझ लो एट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्लू गैस ऑफ द फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट देखो हम कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से जो हम सल्फर डाइऑक्साइड को निकालने का क्या करते हैं दोस्तों प्रयास करते हैं हम कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं इट सीक्स टू रिमूव गैसेस पॉल्यूटेंट्स जैसे एसओ टू हम क्या करते हैं इन तकनीकों के माध्यम से जो गैस निकलती है जो कोयले से हम जो बिजली बनाते हैं ना प्लांट में उसमें जो फ्लू गैस निकलती है उसमें से हम कोशिश करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम निकाल लें साथ साथ में हम कोशिश करते हैं जन जर, विच जनरेट जर, इन द फर्नेस जो फर्नेस में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है है ना के अंदर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ड्यू टू द थर्मल प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट एंड द कम्बशन तो प्रयास हमारा यही रहता है कि जो गैसीय प्रदूषक है उनको हटाने का हम प्रयास करते हैं जो थर्मल प्रसंस्करण हुआ है उपचार और दहन के कारण भट्टियों बॉयलर और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न होती है ना गैस उसमें से हम कोशिश करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकालने ऐसी हमारे पास कुछ सेट ऑफ टेक्निक जो है वो होती हैं और उन्हीं टेक्निक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों डिसल्फराइजेशन समझ में आ रही बात आपको जब आप कोयले को जलाते हो तो बहुत सारी गैसेस बनती है फर्नेस के फर्नेस के अंदर बॉयलर के अंदर तो हमारा प्रयास होता है कि उससे हम जो सल्फर हैं उसको निकाल लें और उसके लिए हम कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उन तकनीक के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि सल्फर गैस को उसमें से क्या कर लिया जाए निकाल लिया जाए तो ये हमारा प्रयास भी रहता है इसको बोलते हैं हम डीसल्फराइजेशन देखो पहले भारत ने इनिशियली सेट अरे देखो लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत लाइक करो एक बार वो लाइक का बटन सभी दबाओ नहीं तो अभी भी शिकायत होती और तुम्हें बहुत मार लगती सभी जल्दी से शिकायत मतलब अरे फटाफट लाइक करो वीडियो को यार लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो यार ठीक है ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों आपका परिवार है ठीक है और जब परिवार है तो ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी इसको बड़ा करने का जिम्मा यह आप ही का है ठीक है देखो मैं अपना काम करूंगा आप भी अपना काम करें है ना ईमानदारी से हम दोनों काम करेंगे तो सब चीज अच्छी होगी समझ रहे हो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है यार मैं भी आपके लिए काम करूंगा तब काम का अच्छा करूंगा जब आप मुझे मोटिवेट करोगे ठीक है सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट जरूर होती ठीक है लिखना होती है आपको डिटेल में बात करते हैं तो पहले हमने कहा था कि 2017 के अंदर में हम इन गाइडलाइन के साथ में कंप्लाई करेंगे है ना जो हमने एमिशन नॉर्म सेट की थी ना है ना रिलेटेड टू द डिसल्फराइजेशन हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ठीक है हम 2017 में इनको क्या करेंगे पालन करेंगे लेकिन बाद में धीरे 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 हम उनको पुश करते रहे हैं ठीक है डेडलाइन को हम क्या करते रहे हैं, दोस्तों हम पुश करते रहे लेकिन हमारा प्रयास था कि हम ऐसा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट लगाएंगे हमने सोचा था दो तक हमने कहा था कि भैया हम डी जो आपका फ्लू गैस डिसन जो है उसको लगा लेंगे और हम प्रयास पूरा पूरा करेंगे कि सल्फर गैस को यहां से रिमूव किया जा सके हटाया जा सके लेकिन बार बार हम उस डेडलाइन को क्या कर रहे हैं दोस्तों एक्सटेंड किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं ठीक है दैट वॉज लेटर चेंज टू दी डेडलाइन फॉर द डिफरेंट रीजन एंडिंग इन दो हजार अब दो हजार बाईस तक हमने सेट कर दिया अब दो हजार बाईस भी हम मना कर रहे हैं है ना पहले हमने 2017 में बोला कि 2017 में नहीं हो पाएगा हम इसको 2020 तक कर देंगे अब हम पहले बोल रहे कि 2020 में करा हमने अगर हमने इंप्लीमेंट किया तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा किस पे टैरिफ पे इससे जो दाम है वो क्या हो सकते हैं बढ़ सकते हैं ठीक है ये बात है टारगेट शुड बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्म एम्बियंट क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री एंड नॉट यूनिफॉर्म एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट देखो समझिए मेरी बात को सरकार ने कहा है क्या बोला है सरकार ने जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका पावर मिनिस्ट्री है उसने कहा है ये बात उसने ये बोला है कि हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य है देश के अंदर में एक यूनिफॉर्म एम्बियंट एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है ना हमारा प्रयास हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड एमिशन नॉर्म्स बनाए उनमें से क्या निकलना चाहिए और कितना निकलना नहीं हमारा उद्देश्य है कि पूरी भारत के अंदर में हम एक एयर क्वालिटी एम्बियट एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है मेंटेन कर सके ये हमारा प्राइम है है कॉमन अच्छा वैसी बात नहीं हम मैथड यूज करते हैं हम सल्फर को निकालने के लिए ठीक है हम बहुत सारे तरीकों का बहुत सारे मैथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ मेथड्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं जैसे वेट स्क्रबिंग बोलते हैं इसको ठीक है गैसों को रगड़ने के लिए आमतौर पर चूना पत्थर या चूने या समुद्री जल के घोल में उपयोग किया जाता है इसको बोलते हैं वेट वेट स्क्रबिंग वेट स्क्रबिंग का कुछ नहीं होता इसके अंदर एक घोल तैयार किया जाता है एक स्लरी का घोल तैयार किया जाता है है इसमें मुख्यतः और लाइम होता है। कई बार हम समुद्री जल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि जो वो गैस है एसोटू सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराया जा सके एक ये प्रयास दूसरा हम क्या करते हैं स्प्रे ड्राई स्क्रबिंग स्क्रबिंग का मतलब होता है रिमूव करना हटाना ठीक है स्क्रब करना हटाना निकालना उस चीज को वहां से तो हम कई बार ड्राई करते हैं स्क्रबिंग इसमें हम क्या करते हैं हम उसी प्रकार के सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं या फिर हम क्या करते हैं वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस रिमूविंग सल्फर इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल क्वालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं एसओ टू को किसके अंदर हम एच टू एसओ फोर के अंदर कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम निकाल के क्या बना दें सल्फ्यूरिक एसिड जिसको इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या किया जा सकता है इस्तेमाल किया तो ये हमारे प्रयास रहते हैं दोस्तों वेट स्क्रबिंग साथ साथ स्प्रे ड्राई स्क्रबिंग उसके बाद वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस तो ये हमारे प्रयास है उसके बाद स्नॉक्स फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है ना ये भी एक प्रोसेस है इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट फॉर्म ऑफ फ्लू गैसेज इनको हम रिमूव करते हैं ड्राई सोर्बेंट इंजेक्शन सिस्टम दैट इंट्रोड्यूस पाउडर्ड हाइड्रेटेड लाइन है ना इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके दोस्तों हम सल्फर डाइऑक्साइड को निकालने का प्रयास करते हैं ठीक है अब यहां पर एक वर्ड हुआ है पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत चर्चा में रहता है पीएम 2.5 अगर आपको पता हो तो पॉल्यूशन की बात जब भी आएगी पीएम 2.5 और पीएम 10 का जिक्र होता ही होता है ठीक है तो आपको इसके बारे में पढ़ना है आपको एयर क्वालिटी और इसका सब इंडेक्स के बारे में दोस्तों सारी सूचनाएं ग्रहण करनी और आपके दिमाग में बिठा लेनी है ठीक है नहीं नहीं अरे ये क्लास साढ़े बजे नहीं रात में नौ नौ बजे नहीं होती ये क्लास दिन में सुबह आठ बजे होती है परंतु कुछ कारणों की वजह से ठीक है ऐसे व्यक्तिगत कारण है मेरे जिनकी वजह से पिछले दो तीन दिनों से क्लास में रात में ले पा रहा हूँ ठीक है जल्दी इसको नॉर्मल टाइम पे शिफ्ट कर दिया जाएगा ये क्लास सुबह मॉर्निंग में आठ बजे ही होगी रात में नौ बजे हम कुछ नई चीजें लेके आएंगे जैसे हेडलाइन या एडिटोरियल ऑफ द डे कुछ ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ ठीक है मैं आपको बता भी देता हूँ आई एम प्लानिंग दिस काइंड ऑफ थिंग या एडिटोरियल ऑफ द डे पूरे दिन का एक अच्छा एडिटोरियल जिसको आप अपने जीएस पेपर में इस्तेमाल कर पाओ है ना ऐसा कुछ या हेडलाइन ऑफ द डे पूरे दिन की हेडलाइंस जो अच्छी खबरें हैं न्यूज़पेपर सारे न्यूज़पेपर में सारे सोर्सेज से मैं आपको निकाल के दूं आप खुद से पढ़ना चाहो खुद से तो ऐसा कोई सोर्स मैं प्लान करूंगा इवनिंग के अंदर बट मॉर्निंग के अंदर ये जो डिटेल करंट अफेयर के एनालिसिस है दोस्तों हम मॉर्निंग के अंदर ही आपका करेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको क्या करना है वट आर द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है वट आर द कॉमन मैथड यूज फॉर द फ्लू गैस को निकालते हो जिसको हम फ्लू गैस कहते हैं क्या होता है कई बार सवाल यहां से आ सकता है आपसे पार्टिकुलेट मैटर से पूछा जा सकता है और पावर प्लांट के बारे में जो एफ डी जी का इश्यू है इससे सवाल आ सकता है मैं पढ़ूंगा तो मैं ये मुद्दों पर ध्यान बना के ही मैं काम करूंगा अगला मुद्दा क्या है दोस्तों अगला टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म ठीक है यार मणिपुर भारत का तीसरा या आई थिंक चौथा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें कुछ सुधार किए हैं अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब क्या है दोस्तों देखो भारत के संविधान के अंदर दोस्तों सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया याद है कि नहीं है नहीं होगा मैं बता देता हूं हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किए और इन एक्ट के माध्यम से हमने भारत में क्या इंट्रोड्यूस किया हमने दोस्तों लोकल गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया हमने लोकल गवर्नमेंट ठीक है स्थानीय सरकार भारत देश के अंदर में हमें डेमोक्रेसी सेटअप करना था डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र लोकतंत्र का मतलब क्या तभी लोकतंत्र का रियल पर्पस तभी फुलफिल होता है जब सरकार हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंच पाए मतलब सरकार चलाने में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी इंश्योर हो पाए ठीक है महात्मा गांधी भी कह के गए थे कि हमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको प्रमोट करना है हमने प्रयास किया और धीरे 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 करते करते उन्नीस सौ बानवे तक हम ये कर पाए ठीक है और तिरानवे के अंदर में हमने ये किया ये एक्ट पास किए संशोधन किए संविधान में और हमने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की दो लेवल पर देखो पहला हमने ली विलेज लेवल पर ठीक है और दूसरा ये जो टाउन जो ट्रांजिशनल टाउन कस्बे या सिटी होती है यहां पर ठीक है सिटी के अंदर

फंक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है दोस्तों फंड्स फंड्स की ज़रूरत होती है है ना पैसे की जरूरत होती है पंचायत बना दे लेकिन पंचायत के पास काम करने को पैसा ना हो पंचायत डिसीजन ले पाए लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसके पास पैसा ना हो तो फिर वो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाती समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं आपको तो उसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती तो ऐसे में अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म की जरूरत है है ना तो बात उठी क्या कि अर्बन लोकल बॉडीज को अपने रेवेन्यू के सोर्स जनरेट करने हैं देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे अर्बन लोकल बॉडीज जो है अपना रेवेन्यू खुद का राजस्व जनरेट करती है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है ना कोई अर्बन अगर कोई म्यूनिसपालिटी में रहता है उसको पता हो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ठीक है वेल्थ टैक्स जाता है प्रॉपर्टी टैक्स जाता है ना या और भी कोई कॉमन एरिया है ठीक है कोई मार्केट वगैरह होती है ठीक है तो उसके अंदर कोई ट्रेड फेयर लगे या कुछ फेयर लगे या कुछ भी हो स्टॉल लगती हैं कॉमन एरिया के अंदर तो उसका यूजर चार्ज जो है वो भी दिया जाता है म्यूनसिपैलिटी को वहां से म्युनसिपैलिटी रिवेन्यू जनरेट करती है तो अब सुधार के अंदर में यही काम किया गया है तो मणिपुर ने भी क्या कहा है कि मणिपुर ने भी कुछ एडिशनल रिफॉर्म किए हैं कुछ टैक्स लगाए हैं प्रॉपर्टी टैक्स साथ साथ में कुछ जो मार्केट कॉमन एरिया यूज होता है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया है ताकि मणिपुर की जो मुंसिपल अर्बन लोकल बॉडीज हैं दोस्तों वो अपने लिए क्या कर पाए वो अपने लिए दोस्तों रेवेन्यू जनरेट कर पाए और उस रेवेन्यू के माध्यम से उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो सके उनकी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बढ़िया कर सके तो मणिपुर ने भी वो रिफॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं जो सरकार ने उसको सुझाए थे तो मणिपुर अभी बताऊं आई थिंक तीसरा या चौथा स्टेट बन गया जिसने अपने रिफॉर्म पूरे कर लिए साथ साथ अब मणिपुर जो है वो पचहत्तर करोड़ रुपए की जो मणिपुर की जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो लोन भी ले लोन भी ले सकते हैं ठीक है वो आपका पैसा उधार भी ले सकते हैं इसका भी प्रावधान यहां पर सेट किया गया है ठीक है तो जीएस पेपर टू से संबंधित मुद्दा है अर्बन लोकल बॉडीज पंचायती राज सिस्टम दोस्तों अलग से सेपरेट मुद्दा है टॉपिक है तो आप इसको याद रखोगे एक एग्जाम्पल है आप यूज कर सकते हो कि किस प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज की फंक्शनिंग को हम बेहतर बना सकते हैं ठीक है अगर कोई इस प्रकार का सवाल आए अर्बन लोकल बॉडीज से तो सजेशंस के अंदर में आप दे सकते हो ऐसा लिख सकते हो कि जिस प्रकार मणिपुर और अन्य देश के राज्यों ने किया है कि वहाँ पर जो उनके अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके अंदर में उनके अंदर कुछ बदलाव किए हैं कुछ सुधार किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं ठीक है ठेके? और उन सुधारों के कारण अब क्या होगा वहां पर प्रावधान अच्छे हो गए हैं कि उनके पास अगर ज्यादा फंड है तो वो कुछ डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लागू हर चीज के लिए सरकार की तरफ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं है ठीक है हर चीज के लिए उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है कुछ डिसीजन ये खुद भी ले सकते हैं और क्योंकि इनके पास पैसा है तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट से रिलेटेड है आपका अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म समझिए मेरी बात मणिपुर हैज बिकम द फोर्थ स्टेट ऑफ द कंट्री जो चौथा स्टेट बन गया ऐसा मणिपुर हैज बिकम द द फोर्थ स्टेट ऑफ कंट्री टू सक्सेसफुल अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दिस लेटर टू मे दो हजार बीस सत्रह मई दो हजार बीस को जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ठीक है जो हमारा वित्त मंत्रालय का जो वित्त विभाग है उसने एक पत्र लिखा था किसको मणिपुर को और उसको कहा था कि यार ये ये रिफॉर्म मीजर्स हैं, ये ये सुधार है आप करो अपनी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ये सुधार आप करो और इन सुधारों को अगर आप करते हो तो ये ये फायदे आपको होंगे और मणिपुर ने वो कर भी दिया है मणिपुर ने कर लिया और मणिपुर जो है वो चौथा ऐसा राज्य बन गया जिन्होंने इस प्रकार के सुधारों को लागू भी कर दिया दे। देखो उद्देश्य क्या है इसका एम क्या है द रिफॉर्म आर एम डेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज देखो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है इनका उद्देश्य है दोस्तों कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की जा सके इन द स्टेट एंड एनेबल देम टू प्रोवाइड बेटर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिट एंड सैनिटेशन सर्विसेज ताकि अच्छी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये अच्छी सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके है ना पब्लिक टॉयलेट मेंटेन करना साफ सफाई कराना नालियों को साफ करना प्रॉपर ड्रेनेज को मेंटेन रखना हाइजीनिक कंडीशन बनाए रखना सिटी के अंदर किसका काम होता है अर्बन लोकल बॉडीज का होता है तो अगर इनके पास ये रिफॉर्म मेजर करेंगे इनके पास फंड रहेगा तो दे कैन डू दीज सर्विस दे कैन इंप्लीमेंट दीज थिंग्स वेरी वेल ठीक है इफेक्टिवली इनको मैनेज कर सकते हैं इकोनॉमिकली रिजनोवेट दी अर्बन लोकल बॉडीज विल ऑल्सो भी एबल टू क्रिएट गुड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इनके पास आप पैसा दोगे ठीक है अगर इनको आप आर्थिक रूप से इन अर्बन लोकल बॉडीज को आप अगर पुनर्जीवित करते हो अर्बन लोकल बॉडीज को तो ये क्या कर पाएंगे दोस्तों ये अच्छे नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर पाएंगे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत होती है रोड की ठीक है सड़कों की गलियों की नालियों की तो वो अच्छे से बना पाएंगे भाई अगर अर्बन लोकल बॉडीज के पास फंड होगा इफ दे आर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कर पाएंगे महत्वपूर्ण so अच्छा क्या वो रिफॉर्म थे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा था और मणिपुर ने लागू कर दिया ठीक है समझ में आ रही बात उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे ठीक है द स्टेट विल नॉट अरे स्टेट बताऊंगा अभी जो स्टेट है ना वो अभी मैं करूंगा आगे थोड़ा सा करो स्टेट ने क्या किया इट विल नोटिफाई फ्लोर रेट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स है ना बस प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई है कि जो सर्कल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स अच्छे से लगाओ ठीक है अच्छे से हमसे ही टैक्स लो ठीक है साथ साथ में बात हुई है दोस्तों फ्लोर रेट ऑफ यूजर चार्जेस है ना जो पब्लिक एरिया का हम इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट होती है कम्युनिटी सेंटर होता है उनका इस्तेमाल जो करते हैं तो उनके ऊपर यूजर चार्ज लगाओ अच्छे से ठीक है वाटर सप्लाई जो मिलती है हमें है ना उसके ऊपर चार्ज लगाओ जो हमारे घर में नालियां बनती उस पर चार्ज लगाओ सीवेज के ऊपर चार्ज लगाओ और यहां से कोशिश करो कि कुछ पैसा इकट्ठा करो और उस पैसे से आप काम करो है ना हर चीज के लिए आप सरकार का मुंह मत देखो आप खुद के भी रिवेन्यू के सोर्स क्या करो जनरेट करो द स्टेट विल पुट इन प्लेस द सिस्टम ऑफ पीरियोडिक इंक्रीज इन द फ्लोर रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यूजर चार्ज इन द लाइन विद प्राइस इंक्रीज आप देखो होगा क्या एक बार वर्तमान में अभी तो ये लागू करेंगे उसके बाद स्टेट इन प्रॉपर्टी टैक्स को यूजर चार्ज को इन वाटर सप्लाईज की फीस को ड्रेनेज फीस को सीवरेज फीस को इनको धीरे धीरे बढ़ाएगा ठीक है आज आपसे घर में पानी के लिए सप्लाई के लिए सौ रुपए लिए जाता है एक महीना मान के चलते हैं स्टेट बढ़ा के डेढ़ सौ करेगा फिर तीन सौ करेगा पांच सौ करेगा हजार करेगा तो इससे जो रेवेन्यू है वो हो क्या होगा बढ़ेगा ठीक है अल्टीमेटली जेब आप ही काटनी है सरकार ने ठीक है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये हिंदी में है आगे चलते हैं दोस्तों की पॉइंट क्या है आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या क्या कौन कौन है तो देखो तीन स्टेट और कौन से हैं दोस्तों तीन स्टेट जो है उनके नाम एक तो आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश से काट के एक राज्य बना गया तेलंगाना तेलंगाना से मुझे कहानी याद आती है मैं कभी नहीं सुनाऊंगा ये कहानी क्योंकि बहुत असामाजिक है और मैंने असामाजिक बातों से 2020 में त्याग कर दिया था उसके बाद मध्य प्रदेश वो दूसरा राज्य है जिसने किया था और तेलंगाना भी नाम है इसमें वा ब्यूटीफुल ठीक है तेलंगाना भी होती तेलंगाना भी है इसमें दोस्तों इन्होंने रिफॉर्म आपके कंप्लीट कर दिए हैं एंड मणिपुर इज द फोर्थ स्टेट इन दिस लाइन फोर्थ स्टेट है, है दोस्तों है ना अभी अगर हम बात करें द स्टेट हैज बिकम एलिजिबल टू एडिशनल फाइनेंशियल करोड़ पचहत्तर करोड़ एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो मोबालाइज कर सकता है कौन दोस्तों आपका कौन मार्केट बोरो इन ओपन मार्केट मार्केट में जाके ओपनली और वो बोरो कर सकता है ये अभी तेलंगाना इसकी बात कर रहा हूं मणिपुर की बात कर रहा हूं ठीक है समझ में आई आपको बात ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये प्रमुख बिंदु हैं चार स्टेट हमने देख लिए अब देखो यार अर्बन लोकल बॉडी होती क्या है रिफॉर्म क्या होता है है ये सब याद रखना आपको ये ओपन मार्केट बोरोइंग क्या होती है सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर वाहल गोइंग इन टू द एग्जामिनेशन अगली बात करते हैं दोस्तों ठीक है ये जस्कर है ये वैसे इसको और भी अलग अलग नाम लिए जाते हैं लोकल नाम तो विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कल बात हुई थी कल याद है आपको कि अभी क्या होगा लद्दाख एरिया के अंदर में आइस क्लाइंबिंग का एक नया स्पोर्ट स्टार्ट किया है कि बर्फ पे चढ़ो है ना इंडिया में नहीं था पहले प्रचलित पहले यूरोप के लोग करते थे ठीक आप देखे देखे उनकी देखो देख हम भी है डोंडरे करने लग गए हैं ठीक है तो अभी एक नया स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं जस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021, ठीक है इसके बारे में हम बात रख करते हैं तो जस्कर में विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल वैसे जस्कर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है मैं दिखाऊंगा बताऊंगा अभी जस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 18 से 30 जनवरी 2021 किसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस अंडर द खेलो इंडिया बैनर इन कोलैबोरेशन विद द लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख पर्यटन विभाग के सहयोग से खेलो इंडिया के बैनर के तले खेल युवा सेवाओं के विभाग के द्वारा 18 से 30 जनवरी 2021 तक जांसकर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है समझ में आ रही बात है ना जस्कर जो खेल है विंटर शीतकालीन खेलों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है की पॉइंट समझिए मेरी बात देखो इसको हम जंसकर भी कह देते हैं जाहर भी भी बोल बोल देते देते हैं हैं नाम है इसका इसको जांस्कर ठीक है ये कई लोकल नाम है इसके इनको आपका भी बोल देते हैं ठीक है ये अलग अलग नाम है इसके लोकली इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है जस्कर रेंज ठीक है बताया हुआ है मैंने हिमालय के अंदर पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी वन वन के ऊपर जाइए लेक्चर देखिए इंडियन ज्योग्राफी हिमालय पढ़िए वहां से इट इज सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ और इट इज अब डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑफ द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ये एक सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील है कहां पर हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कारगिल को कौन नहीं जानता एंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख लद्दाख यूटी के अंदर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहां है इसका दोस्तों इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है पदूम के अंदर में पदूम जो है वो इसकी प्रशासनिक केंद्र है ठीक है यहां पे हमने स्टार्ट किया है जस्कर रेंज कौन नहीं जानता वैसे अगर मैं एशिया में देखूं तो एशिया में साउथ सेंट्रल एशिया में लाई करता है साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया भारत के अंदर लाई करता है और तिब्बत जो वेस्टर्न जो तिब्बत ऑटोनोम रीजन है उसका पश्चिमी भाग के अंदर में जस्कर जो है वो लाई करता है ठीक है इट इज एक्सटेंडेड साउथ ईस्टवर्ड दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर सम 400 माइल 660 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ी है जो शुरू होती है आपका कहां से दोस्तों आपका करचा या सूरू रिवर से ठीक है सूरू रिवर है हमारी ठीक है वहां से टू द अपर करनाली सूरू से जो करनाली नदी है हमारी करनाली ठीक है करनाली नदी का नाम एक और भी है आप सब बताइए मुझे क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है आपका काम है होमवर्क है मैंने बताया हुआ आपको जब मैंने जोग्राफी में पढ़ाया था तो यहाँ तक ये यह फैला हुआ है कामेत इसकी हाइएस्ट पीक है जस्कर रेंज की कामेत जो है कामेत इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द जस्कर रेंज है ना हाइएस्ट पॉइंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास आर सिपकीला पास इसमें है सिपकीला यही वो पास है जहाँ से दोस्तों आपकी ब्र... सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती इस पास से लिपू लेक ठीक है जिसको ट्राई जंक्शन कहते हैं इंडिया नेपाल और चाइना का ठीक है आपको पता होगा एंड दी माना पास माना मूलधन सौ रुपए हमारे गांव में टीचर है उसको हमने माना मूलधन उसका नाम रखा बहुत रेस्पेक्टेड टीचर है यार गलती क्षमा करना यार आज भी डर लगता है उनसे बट वो हमेशा क्लास में आके एक ही बात बता उनका ये टॉपिक बहुत फे, फेवरेट था मैथ में आप जानते हो ना हर चीज मान के की जाती थी है ना अब हिंदी मीडियम से थे भाई दसवीं क्लास तक तो आते एक ही बात बोलते थे मानना अब वो मानना नहीं लिखते थे वो है वो कहते थे मान्या क्या लिखते थे मान्या ऐसे कुछ बोलते थे वो मान्या मूलधन सौ रूपये है ऐसे बोलते थे मान्या मूलधन तो उनका नाम ही निकाल दिया बच्चों ने मान्या बट जबरदस्त टीचर थे यार एक बहुत अच्छे आदमी है बहुत अच्छे इंसान है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सो so, अगली बात अगर मैं करूं आपका तो है लेक छड के बारे में ठीक है लेक छड कहा है लेक छड इज छली अफ्रीका और इससे संबंधित मुद्दा है क्यों न्यूज में रहा है मैं बताऊंगा तो भारत ने थोड़ी सी चिंता जताई है ठीक है बोको हराम समझा होगा ना नाम आपको पता ना बोको हराम ये हराम का खाते हैं बिल्कुल ठीक है बोको हराम ये हराम का खाते हैं इसलिए नाम में भी लिखा रखा है बोको हराम ठीक है सो so, बोको हराम जो है दोस्तों ये नाइजीरिया एंड छड लेक रीजन के अंदर में पहले पूरा पढ़ा देता हूं इंडिया एक्सप्रेस अ सीरियस कंसर्न ओवर द द सिक्योरिटी सिचुएशन इन दिक्योरिटी अभी सहेल क्या है मैंने अफ्रीका पढ़ाया था आपको पढ़ाया था अफ्रीका के अंदर में जाके देखो सहेल क्या है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा अभी वहां जाके देखो सहेल क्या है मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ठीक है सहेल और वहीं पर लेक छड भी है जो मैंने पढ़ाया था ये एक एंडोरिक लेक है एंडोरिक लेक का मतलब क्या होता है ये लेक का पानी इसी में रहता है किसी समुद्र में जाके लेक नहीं मिलती है ठीक है तो ये एक आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनलैंड वाटर लेक भी आप इसको बोल सकते हो तो एंडोरिक लेक है लेक छड वेस्ट अफ्रीका के अंदर अभी मैं मैप में दिखाऊंगा इंडिया ऑल्सो कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक बाय द बोको हराम इन नाइजीरिया एंड लेक छड रीजन बाय द इस्लामिक स्टेट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका आप समझिए मेरी बात भारत सरकार ने बोको हराम के जो अटैक हो रहे हैं नाइजीरिया के अंदर उनकी देखो बोको हराम बहुत ये मतलब ये हराम का खाता है और मतलब समझो बहुत ही भयंकर किस्म का ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, बिल्कुल बिल्कुल है, तो की की है, साथ है अपनी व्यक्त की है चिंता करने से क्या होता है चिंता इज इक्वल टू चिता मेरी मम्मी कहती है चिंता चिता, चिता समान है ठीक है अब इनको समझाओ कोई भारत देश चिंता कर रहा है बताओ मेरी मम्मी मेरे को चिंता मत कर बेटा चिंता चिता समान है मैं क्या पूरा देश चिंता कर रहा है भारत चिंता कर रहा है ये देखो ठीक है? So, लेक दोस्तों की बाउंड्री के ऊपर यहां पर है ठीक है लेक एक so, हिस्टोरिकली लार्ज और शेलो एंडोरिक एंडोरिक का मतलब इसका पानी किसी समुद्र में नहीं मिलता बल्कि इसी में कुछ नदियां आती है जो इसमें पानी जमा कर देती हैं बहुत हाई इवेपोरेशन है वाष्पीकरण ज़्यादा होता है बट स्टिल ये लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है ताजे पानी की झील है ये भी और बहुत सारे लोगों को ये पानी प्रोवाइड करती है आपको पता है अफ्रीका के अंदर में ये बस सहारा के साथ लगता है लगभग लगभग लग लगभग लग उसी के आसपास का रीजन है तो ये एक लाइफ है बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराती है तो लेक छठ जो है वो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी सेलो और इंडोरिक लेक है ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर पाई जाती है विच वॉज अड इन साइज ओवर द द सेंचुरीज ठीक है है अगली बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक जो इट इज लोकेटेड इन द द सहेलियन जोन इन इन वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका लेक छड इज मेनली फार वेस्ट ऑफ छड बॉर्डरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया ठीक है देख रहे हो आप यहां पर है मतलब ये बेसिकली आपको मैं लोकेशन बता रहा हूं और मुझे लेक छड की लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है तो जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा था मैंने अफ्रीका के अंदर में पूरा का पूरा सेगमेंट जो है आपका कवर कराया हुआ है कराया हुआ है नहीं सर नहीं कराया बस तुम लोग यही कह सकते हो सर यूरोप नहीं करवाया आपने अरे कई बच्चे ने मुझे आज भी उसके लिए कोसते रहते हैं सर यूरोप छुड़वा दिया अरे भाई यूरोप छोड़ दिया बाकी के छः कॉन्टिनेंट तो कर दिए यूरोप भी करवा दूंगा ये नहीं कहते कि सर धन्यवाद आपका आपने एशिया कराया आपने नॉर्थ अमेरिका साउथ ये सब कराया नहीं नहीं सर आपने यूरोप छोड़ दिया है बस इसका दुख है उनको है ना कभी नहीं कहते सर धन्यवाद आपने वो बाकी काम करा दिया वहाँ पे है ना बट इनको यूरोप से चिंता तो यूरोप नहीं करवाया अरे यूरोप भी करवा देंगे यार काय को टेंशन लेती हबीबी आती कराती चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों की पॉइंट्स क्या लेक छड़ जो है इट प्रोवाइड्स द वाटर टू मोर देन तीस तीस मिलियन लोगों को पानी देता है ठीक है साथ साथ में कहाँ कहाँ पे दोस्तों छठ देश का नाम है छठ कैमरून ये पंजाबी वाला छठ नहीं है और छड नो वो नहीं है ये ठीक है और दूध दवाई उसके बाद छठ कैमरून नाइगर उसके बाद बात करें नाइजीरिया ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सहेल इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द छठ बेसिन छठ बेसिन में सबसे बड़ी लेक है चारी नदी जो है वो इसमें पानी लेके आती है तो चारी रिवर जो है ना इट फेड्स ट्रिब्यूटरी उसकी न, नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है लो, लोगेन तो चारी नदी जो है वो अपनी सहायक नदी लागोन से ठीक है बिल्कुल तंग आकर नहीं <laughs> क्या हिंदी कर देता है कई बार ठीक है तो यहाँ पर वो पानी इसमें प्रोवाइड करती है योबा नदी से भी इसमें पानी आता है ठीक है बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है बट स्टिल ये एक फ्रेश वाटर लेक है कैसी लेक है दोस्तों इट्स अ फ्रेश वाटर लेक तो छड जो है दैट इज द फ्रेश वाटर लेक वो एक ताजा पानी की क्या है दोस्तों झील है समझ में अगर आ रहा है दोस्तों ठीक है अगर बात मेरी समझ में आ रही है आप तक पहुंच रही है आपके दिल पे मेरी बात लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओके की रिपोर्ट है सर और लाइक और शेयर ये दो चीज कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए दोस्तों इसके लिए मुझे आपको कहना ना पड़े अटल टिंकरिंग लैब एंड हैंडबुकू पॉंट देखो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सबको पता है कि नहीं पता चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा बता देता हूं देखो और आसान शब्दों में बताता हूं. भारत सरकार जो है भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन क्या लॉन्च किया था दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन ठीक है हमने लॉन्च किया था भारत सरकार ने तो भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन जो है दोस्तों वो लॉन्च किया था ठीक है बात होगी समझ में आ गई बात ठीक है सर अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही हमने अटल टिंकरिंग लैब बनाई थी अटल इनोवेशन मिशन का पर्पस क्या था कि भारत के अंदर में वो व्यक्ति जो कुछ जो कुछ कुछ इनोवेट करना करना चाहे चाहे बढ़िया उसको सपोर्ट करेगी सरकार ये नीति आयोग का प्लान था ठीक है मेरे पास एक दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया है मैं कुछ बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है मैं कहा जाके बनाऊ अब इतनी बड़ी लैब तो मैं लगा नहीं सकता भाई मेरे को दिक्कत होगी मेरे पास संसाधन नहीं तो सरकार ने कहा कि हम अटल टिंकरिंग लैब लगा रहे हैं आप इन लैब के अंदर आओ और आपको जो भी करना है जो भी सीधे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना है आप इनको करो पूरे भारत देश के अंदर सात हजार ऐसी लैब जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है वो लगाई गई थी ठीक है तो अभी उसी के लिए अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक टू पॉइंट वन टू पॉइंट जो है वो रिलीज यहां पर की गई है अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेनिंग गाइड बिल्डिंग यंग इनोवेटर्स अब होगा क्या से ये गाइड है मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन लैब में जाओ और कुछ कुछ कई ऐसे असामाजिक तत्व तो भी लैब में जाएंगे बिना मतलब के रोज धमाके करके आएंगे अरे कई होते हैं केमिस्ट्री की लैब में जाते बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सबका पर्पज वो नहीं होता वो कुछ कंपाउंड बनाना रिएक्शन नहीं, नहीं कुछ लोगों को वो जो धमाका होता है जो धुआं उठता है जो आग लगती है वो करने का शौक़ होता है और आग लग अरे आग लगा दी बच्ची अरे यार इस आज वहाँ धुआं उठा दिया ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं बायोलॉजी की लैब में तो वो जाते हैं लेकिन उनको हड्डियाँ देखने समझने से मतलब नहीं होता उनको इंटरेस्ट ये होता है कि जो स्केलेटन रखा है मेरे पास कंकाल तंत्रिया असली है कि नकली है वो चार बार उसको हाथ लगाएंगे अरे असली है गए ठीक है उनको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता कई ऐसे होते हैं उनको जो डब्बे में जार के अंदर जो सांप रखा होता है ना बस उसको कहना देखियो असली एक नकली है ओहो सड़ा नहीं है क्या इतने दिन से रखा है मेंढक को देख के उनको कुछ पढ़ना नहीं है ठीक है बट समझ रहे हो ना आप किस किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हमारे बीच में होती हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग अटल टिंकरिंग लैब में जाए बट कुछ और ही करने जाए वहाँ पे तो ऐसे में एक गाइड लॉन्च की जाती है एक बुक आपकी दी जाती है एक है ना गाइड बुक जो आपको गाइड करेगी मतलब आपको क्या करना है कैसे करना है किस प्रकार से वहां रखे उपकरण और सामग्री को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके लिए दोस्तों एक लैब हैंडबुक 2.0 जो है है अभी वो लॉन्च की गई है। पूरी बात को पढ़ते हैं पूरी बात को समझने का प्रयास करते हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है ने अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक के अपने नए संस्करण को लॉन्च किया है किसने दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन ने आयोग ने ठीक है नीति आयोग कमीशन अटल इनोवेशन मिशन याद रखना इसने अपनी अटल टिंकरिंग लैब समझ में आया लैब क्या होती है? है ना भाई जिसको भी कुछ रिसर्च करनी इनोवेशन करके कुछ नया बनाना है यहां से जाके बनाएगा तो उसने क्या किया अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक का नया संस्करण जो है लॉन्च किया है जो अटल टिंकरिंग लैब की विस्तृत स्थापना और परिचालन प्रक्रिया और एक अभिनव आत्मनिर्भरता भारत को यात्रा को मजबूत करेगा purpose क्या है है इसका इस हैंडबुक का है दोस्तों कि किस प्रकार से वहां रखे इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल करोगे कैसे प्रक्रिया को आपको फॉलो करना ये सारी बातें उसके प्रयास रहेगा अटल टिंकरिंग लैब के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं थ्रू हैंड्स ऑन डू इट यूर सेल्फ मोड एंड लर्न द इनोवेशन स्किल देखो ये अटल टिंकरिंग लैब क्या है ये एक मार्कर स्पेस प्रदान करता है मतलब आप जाके बना मेरे दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है मैं यहाँ जाके बना सकता हूँ उसको ठीक है यहाँ पर सेल्फ मेड चीज है ठीक है आइडिया थ्रू हैंड ऑन हैंड ऑन डू इट आप अपना आइडिया जो है आप करो सामान वहाँ रखा होगा उपकरण वहाँ रखे होंगे आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको बनाने की कोशिश करो आप इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है वो लगाई गई है ठीक है समझ में आई ताकि नवाचार जो है आपकी जो इनोवेटिव स्किल्स जो है वो युवा सीख सके बट कुछ ही होंगे ऐसे अच्छे आदमी जो यहां जाके आविष्कार करके आएंगे आधे लोग तो चीजों को तोड़ के आएंगे यहां पे ठीक है नहीं है बता दो ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं है ना है कि नहीं है अरे कोई बात नहीं ऐसे एक दो होते हैं ठीक है इनको इग्नोर मारो ठीक है इतना कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है ठीक है ना इनकी कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इनको क्या करो दोस्तों इनको इग्नोर मारा करो ठीक है ना कुछ कुछ आते हैं ऐसे ठीक है ऐसे कुछ आते हैं कि सब जगह से परेशान है बेचारे ठीक है ये सब जगह से परेशान है कुछ होना जाना है नहीं इनसे ज़िंदगी में हर जगह से परेशान है दुखी हैं माँ बाप जो हैं वो इनको रोज़ पेलते हैं ठीक है थेके? कुछ कर ले धर ले बट ये किसी की नहीं सुनते तो इनको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कोई बात नहीं चलने दिया करो ठीक है देखो क्लास का उद्देश्य क्या है सबका भला हो है ना कोई बात नहीं इनको भी आके अपने जो इस प्रकार के विचार व्यक्त करने दिया करो ठीक है इनसे इन्हीं के बारे में पता चलता है कि ये कितने बड़े वैज्ञानिक हैं है ना तो इनने जिंदगी में कुछ किया नहीं इनने कुछ करना भी नहीं है ये ऐसे ही चलते रहेंगे आप इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो आप पढ़ाई करो इनको देखने के लिए पूरी टीम बैठी है पीछे अपने आप ब्लॉक कर देंगे लो ऐसे लोगों से रोज निपटते हैं लोग है ना बैठे हुए हैं वो वो अपने आप देख लेंगे ठीक है चलिए ध्यान दीजिए आगे बात करते हैं दोस्तों टू फोस्टर एंटरप्रोरशिप एंड अरे थक तो नहीं गए हो आप ही लोगों ने बोला सर टॉपिक बढ़ा दो मैंने टॉपिक बढ़ा के कर रहा हूं मैं पिछले चार पांच दिन से थक तो नहीं गए हो अगर थके नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हो जाए ओके की रिपोर्ट है सर अगर नहीं थके हो तो हलो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो फटाफट से

अगर ऐसे लास्ट सोल जैसे असामाजिक तत्व तो पहुंच जाए पता नहीं क्या होगा ठीक टिंकरिंग, तो एस्पे, टिंकरिंग प्रोग्राम मतलब आप लैब में जाके किस प्रकार से आप काम करोगे आपका पूरा का पूरा व्यवहारिक मार्गदर्शन उसके अंदर में किया जाएगा उस बुक के अंदर लिखा हुआ है एटीएल हैंड बुक एंड कंपास वर्क डन बाय द एम टीम यानी कि में AIM team की द्वारा एटीएल पहल के चार प्रमुख स्तंभों पर काम किया गया वो कौन कौन से पहला चयन दूसरी ये दोस्तों स्थापना सक्षमता और क्या उत्सव का उपयोग ये सारी चीजें यहां पर बोली गई हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फार्म्स लॉ कमेटी देखो कल बहुत अच्छा लेक्चर किया कल पंकज सर ने मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको मिस किया ठीक है अब अगर आपने छोड़ा तो ये आप लोगों की मतलब गलत बात है जो मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ पंकज सर दिन में एडिटोरियल कराते हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्लास करते हैं आठ बजे वो एक स्पेशल सेशन करते हैं जो बहुत बेहतरीन सेशन होता है उनका है ना कल से वो एक और सेशन कराएंगे आपके लिए करंट अफेयर की दो क्लासेस वो आपके लिए करेंगे ठीक है वो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ आपके लिए अच्छा करने का मैं चाहता हूँ आप उनको सपोर्ट करें ठीक है मैं चाहता हूँ उनको आप सपोर्ट करें और मेरे साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर मैं आपके साथ जोड़ने वाला हूँ है ना बहुत सारे एजुकेटर जो अपनी अपनी नॉलेज से आपको फायदा देने का मैं हूं मैं हूँ मेरी टेंशन ना लो मेरा काम उतना ही रहेगा मैं उतना ही काम करूंगा लेकिन मैंने क्या देखा है दोस्तों यदि कभी मैं अनुपस्थित हो जाता हूँ तो पूरा चैनल आपकी पूरी पढ़ाई रुक जाती है मैं ये नहीं चाहता ठीक है मैं ये नहीं चाहता और मैं भी एक इंसान हूँ कभी कभी कुछ मेरे सामने भी समस्याएं आ जाती हैं तो मैं एक पूरी टीम लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए बहुत सारे एजुकेटर लेके आ रहा हूँ है ना अभी हम बात कर रहे हैं उनसे तो एजुकेटर में लेके आ रहा हूँ मैं अपनी पूरी टीम आपको बना के दूंगा है ना ऑब्वियस बात है मैं रहूंगा और सारी चीजों का समाधान आप मैं करूंगा आप सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हो किसी भी प्रकार की दुविधा और परेशानी के लिए परंतु मैं चाहता हूँ कि 2021 में पूरा YouTube पर एक ऑर्गेनाइज कोर्स आपको दिया जाए अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाए और इसके लिए दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ ठीक है समझ में समझ मारी बात आपको दोस्तों ठीक है ना तो मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे उसको ज्वाइन करें ठीक है बहुत अच्छी क्लास आपके लिए करा रहे हैं बहुत अच्छा आपके लिए करा रहे हैं मैं हूं मैं बढ़ा रहा हूँ चीजों को मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आऊंगा मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेके आने वाला हूँ दोस्तों ये दोनों काम मैं आपके लिए करने वाला हूँ ठीक है साथ साथ में कुछ और भी नई चीज ऐड कर रहा हूँ जिसमें आप सोचा आज एडिटोरियल ऑफ द डे हेडलाइंस मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ पर मेरे साथ साथ मेरी टीम के अन्य मेंबर भी होंगे वो भी कुछ कुछ आपके लिए करेंगे ठीक है ताकि आपकी एक बढ़िया सुचारू रूप से पढ़ाई जो है वो हो सके तो ये देखो करंट अफेयर वन ओ वन का मतलब क्या है मैंने आपको पहले बताया था वन ओ वन का मतलब है वन एंड ओनली वन मतलब इसके अलावा आपको कहीं जाना ना पड़े फॉर द करंट अफेयर ऑफ द यूपीएससी सी एस सी इसके लिए तैयार करना है मुझे चैनल ठीक है और मैं इस चैनल को ऐसा बना के छोड़ूंगा साथ चाहिए दोस्तों आपका मुझे ठीक है आपके साथ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है ना चलिए फार्म स्लो कमेटी ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों अभी अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है तो उसने कोशिश की है कि, कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में मध्यस्थता कराई जा सके किसान अपनी बात पर अड़े खड़े हैं कि हम नहीं मानेंगे और सुप्री ए, सरकार अपनी बात पर अड़ी खड़ी है कि हम भी नहीं मानेंगे भाई तो ऐसे में हो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ना तुम मानो ना तुम मान लो लेकिन मुझे तो कुछ करना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ठीक है हम एक कमेटी बना लेते हैं वो कमेटी रिपोर्ट करेगी कमेटी अपनी रिपोर्ट रखेगी उसके आधार पर हम फर्दर डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये कमेटी के निर्णयों के बाद में हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे ये बात अभी तय हुई है चलिए बात करते हैं मुद्दों पर फार्म्स लॉ कमेटी सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ स्टे ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री अंटिल फर्दर ऑर्डर्स केम है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों ठीक है फार्म को स्टे पे डाल दिया ठीक है स्टे ऑर्डर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर और एक कमेटी बना दी है दोस्तों इस कमेटी के अंदर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट होंगे आपके जो बात करेंगे आपस में बातचीत करके और ये जो पूरा मुद्दा है इसको रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे मैं बताना चाहूंगा कौन कौन इस, इस इसके अंदर है सबसे पहले तो है भूपिंदर सिंह मान ये नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के ठीक है किसानों की तरफ से भूपिंदर सिंह मान है साथ साथ में डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं साथ साथ में डायरेक्टर भी रहे हैं साउथ एशियन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के इनको भी इसमें शामिल किया गया है अशोक गुलाटी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों ये भी फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जिसके द्वारा आपका ये यही वो चीज है

है ना ये वो है जो समर्थक थे कानून के जो बने थे इनके तो ये लोग है, इनको रखा है दोस्तों साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बोला है कि है कि ठीक ये कमेटी कोई कानून पास नहीं करेगी कमेटी कोई ऑर्डर नहीं देगी किसी को पनिशमेंट नहीं देगी बस इस कमेटी का, का काम क्या है कि एक सलाह देना एक जुडिशियल प्रोसेस सेट कर रही है बस ये इसका काम होगा ठीक है देखो ऐसा है संविधान के अंदर में ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं जब कोई डेडलॉक की स्थिति आ जाए तो संविधान के अंदर में एक सरकार ने सरकार के तीन अंग होते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी मान के चलो कहीं सिंह फंस भी गए कहीं पर तो जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर करके क्या करा रहा है जुडिशियरी कोशिश कर रहा है कि उसको क्या किया जा सके उस इंपास को रिजोल्व किया जा सके दैट्स द ओनली दश्यू अगली बात करते हैं दोस्तों कायाकल्प अवार्ड कायाकल्प से मतलब क्या समझते हो दोस्तों आपने देखे हैं कभी सरकारी हॉस्पिटल जाके देखे हैं पहले कुछ थे और आज कुछ है मतलब कायाकल्प हो गई एकदम बदल गए या बहुत सारे मैंने खुद पर्सनली देखा है पहले उन हॉस्पिटलों के अंदर बदबू मारती थी जाने का मन नहीं करता लेकिन अब क्लीन सर्विसेज बढ़िया हो गई अच्छी सैनिटेशन हो गया वहां पे बढ़िया सिस्टम हो गया है है ना तो ये कायाकल्प जो किया गया है इसके लिए सरकार ने कहा कि ठीक है अवार्ड देंगे हम कायाकल्प अवार्ड तो उसी के बारे में हम बात यहां पर कर रहे हैं ठीक है कायाकल्प अवार्ड इसके बारे में बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज वर आर फेसिलिटेटेड विद कायाकल्प अवार्ड फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए कायाकल्प पुरस्कार से जो है अभी सम्मानित किया जाएगा गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ नेशनल इनिशियेटिव कायाकल्प ऑन पंद्रह मई दो हजार पंद्रह टू इंश्योर हाइजीन सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया दो में सरकार ने शुरू किया था मई 2015 में कि भारत के अंदर में जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उसके अंदर में हाइजीन को प्रमोट किया जा सके सैनिटेशन को प्रमोट किया जा सके स्वच्छ भारत जो अभियान है उसका आयाम था तो यह कोशिश किया गया प्रयास किया गया तो प्रमुख बिंदु में यही मैं बात कर रहा हूं तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की और स्वच्छता और स्वच्छता को निश्चित करने के लिए सरकार ने पंद्रह मई को कायाकल्प नामक इस प्रोग्राम की क्या की थी शुरुआत की थी यह स्कीम जो है शो द पार्टिसिपेशन ऑफ 716 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों इसके अंदर में 716 सो डिस्ट्रिक्ट जो भारत के उनके अस्पतालों ने हिस्सा लिया है ना साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया फर्स्ट ईयर है ट्वेंटी स्प्रेड टू द 26,172 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नाउ ठीक है तो अब अगर हम देखें तो पहले साल में छब्बीस तब आप देखें तो बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ यूनिट्स तक हम क्या कर चुके हैं पहुंच चुके हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जो है

ठीक है ओपन डिफेक्शन फ्री ब्लॉक मतलब खुले में सोच मुक्त ब्लॉक वन टाइम ग्रांट ऑफ दस लाख रुपीज फॉर अंडरटेकिंग द इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठीक है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलकर सहयोग करके स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया था इसके तहत में क्या किया जाएगा पता है एक ऐसे इलाके में जो ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री हो जैसे खुले में कोई सोच ना करता हो इलाके के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को दस लाख रुपए की वन जाएगी कर सकता है। अगली बात करते हैं लीव. यार ये मुद्दा मैं बता देता हूं विराट कोहली पापा बन गया अनुष्का शर्मा मम्मी बन गई है ना तो विराट कोहली साहब जो है मैच खेल रहे थे बट पेटर्निटी लीव पे वापस आए अब भारत के अंदर में मेटर्निटी लीव तो है बट पेटर्निटी लीव है कि नहीं उस पर चर्चा करेंगे पितृ जो लीव है पितृ लीव को क्या बोलते हैं और छुट्टी पता नहीं क्या बोलते हैं तो उसके लिए दोस्तों क्या प्रावधान है या नहीं है उस बात पे हम चर्चा करेंगे ठीक है सो पेटर्निटी लीव्स की हम बात कर रहे हैं उसी बारे में प्रावधान तो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जो है पेरेंट्स बन गए अभी ग्यारह जनवरी को ठीक है तो वो पेटर्निटी लीव पे भारत वापिस आ गए हैं कि भाई उनको ध्यान व्यान रखना है ठीक है लेके वापिस आ गए हैं देखो मेटर्निटी लीव जो है वो एक लीगली मैंडेटेड है प्राइवेट सेक्टर जो होता है ठीक है वो उनको मैटर्निटी लीव देनी पड़ती है ठीक है उनको मातृत्व तो अवकाश देना पड़ता है ठीक है माता को अवकाश देना पड़ता है इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड न्यू न्यूबोर्न बेबीज उनको देना पड़ता है अवकाश लेकिन जो पित्र पिता है जो पित्र है पितृ अवकाश जो है ये दे ना दे ये बात जरूरी नहीं है हमारे भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें अभी पित्र अवकाश जो है वो आवश्यक अभी नहीं है नहीं दिया जाता देर इज अ लीगल स्टेपुलेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज अ मेल सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिसी प्रोबेशनर विद लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे फॉर ग्रांटेड द पेटर्निटी लीव फॉर पीरियड ऑफ द पंद्रह दिन बिफोर और अप टू सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड आप समझिए मेरी बात प्राइवेट संस्थानों में पित्र पिता को कोई अवकाश नहीं मिलता बच्चा हो गया कोई अवकाश नहीं मिलेगा ठीक है कोई लीव नहीं मिलेगी लेकिन माताओं को दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में अब सरकारी संस्थाएं जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको पितृ अवकाश भी दिया जाता है ठीक है किस केस में दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन मतलब दो बच्चों के लिए ऐसे ही उन्होंने रेल चला रखी है छह छह बच्चे हो गए सब में कहेगा अब अवकाश चाहिए ऐसे में दो बच्चों में दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ दो बच्चों में दिया जाएगा डिलीवरी से पहले पंद्रह दिन और डिलीवरी के बाद में छह महीने तक अब वो डिपेंड करता है आप कितना लेते हो ठीक है तो इतना अवकाश जो है वो उनको प्रदान किया जाएगा दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ठीक है तो ये केंद्र सरकार में जो प्रोबेशनर या जो अप्रेंटिस पे हैं उनको ये छुट्टी इतनी मिलती है द लेस देन टू सर्वाइविंग मैंने बता ही दिया ठीक है दो ही बच्चों के लिए मिलेगी पेटर्निटी लीव ने तुमने रेल चला रखी है ठीक है कई सारे ए बी सी डी क्रिकेट टीम बना रखी है और सबके लिए कहो मुझे लीव चाहिए तुमने तो हर साल का सिस्टम बना रखा है तो ऐसे में वो काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे डिसीजन ऑन हाउ लॉन्ग अटर्निटी लीव विश टू प्रोवाइड रेस्ट विदर्टिकुलर कंपनी कंपनी में डिसाइड होता है ठीक है सरकारी कंपनी कितना वो पितृ अवकाश जो है उसको प्रदान कर सकती है ठीक है लेकिन महिलाओं के लिए ये फिक्स है महिलाओं को देना पड़ता है भाई महिलाओं के लिए ऑन दी जो लॉ है ये कानून इस बात को मैंनेडेट करता है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं ठीक है वो टेन और मोर वर्कर्स कैन टेक ट्वेंटी सिक्स वीक ऑफ पेड लीव वो लीव पे रहेंगे लेकिन 26 सप्ताह का अवकाश ले सकते हैं लेकिन उनको पेड लीव है ये उनको पैसा मिलेगा है ना अप टू एट वीक टू तो विच कैन बी क्लेम्ड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड ठीक है ये है समझ में आ रही बात अच्छा यही एक ये भी एक फैक्टर है जिससे महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस में किसी भी कंपनी को एज एन एम्प्लॉय अगर मैं एम्प्लॉयर हूं मैं किसी को एम्प्लॉय करता हूँ तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है हम क्या सोचते हैं

अरे थक गए हो तो छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं मैं तो नहीं थका हूँ भाई लेकिन अगर आप थक गए आप कह रहे हो सर 87 सेवन मिनट्स हो चुके हैं है, हमें पढ़ते हुए ठीक है ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया सर आपकी बात सुनते हुए अब नहीं रेस्ट चाहिए तो बता दो कोई दिक्कत नहीं हम इसको छोड़ सकते हैं ठीक है, है ना कामरान कासिम थैंक यू मैं चाहूंगा आप डेली आओ यार कामरान कासिम मैं चाहूंगा आप डेली आओ और आप सारे एस्परेंट से मिलो और मुझे भी मिलो ठीक है लॉन्ग टाइम मत करो आप डेली आया करो ठीक है देखो जिनका भी गोल है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था उठो लगो और जब तक लगे रहो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि एक बार ऐसा उनको हाथ लग जाती है ना उसके बाद वो काम नहीं करते यार ठीक है वो छोड़ देते हैं काम करना नहीं भाई क्यों छोड़ना है छोड़ना क्यों है ये बताओ ना आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आप सफलता को ना पालो और देखो मेरी बात सुनो कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस आपको संयम रखना पड़ेगा आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा लगातार अभ्यास करना पड़ेगा आप तभी आप सफलता की जरूरत तो क्योंकि जो आपने सोचा है ना वो कम नहीं है दोस्तों हजारों लोगों का सपना लाखों करोड़ों लोगों का सपना है कि वो आई ऑफिसर बन सके लेकिन बनते बहुत कम है क्यों क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी दसवीं क्लास में कितने नंबर हैं आपकी बारहवीं क्लास में कितने नंबर हैं आप कितनी बार फेल हुए मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता मैं सिर्फ एक बात मानता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनमें आग कितनी है मगर बारह बजे भी एक मैसेज डालूँ अपने टेलीग्राम पे मैं कहूँ यार बच्चों आ जाओ वो बच्चे आ जाए मेरे को वो बच्चे चाहिए ठीक है सारे के सारे और वो बच्चे अगर हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपकी सफलता को हम इंश्योर करेंगे ये वन ओ वन फैमिली जो है वन एंड ओनली वन जो परिवार है हमारा वन जीरो वन परिवार ये परिवार आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा और ये मेरा वादा है मेरा दावा है लेकिन हाँ आपको भी थोड़ा अपने तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है लगे रहिए जुड़े रहिए मेरे साथ अगर होता है कई बार ऐसा ब्रेकडाउन आता है ठीक चैलेंजे है चैलेंजेस आते हैं प्रॉब्लम आते हैं जहां पर आपको दिक्कतें होती हैं और आप चीज़ों के साथ में सामंजस्य नहीं बना पाते तो दोस्तों इसके लिए आप सीधे संपर्क करो ठीक है अपने टीचर से बात करो मुझसे बात कर सकते हो अगर किसी भी ऐसे छात्र की मैं मदद कर पाऊँ तो मैं बहुत अपने आप को धन्य समझूंगा परंतु एक बात और भी समझो यार ठीक है मेरे पास थोड़ा तो समय का अभाव होता है कई बच्चे मैसेज तो कर देते हैं मुझे ईमेल कर देते हैं बट कई बार क्या होता है समय के अभाव के कारण मैं उनको जवाब नहीं दे पाता फिर वो उनका दूसरा ईमेल भी आता है पहले ईमेल में वो रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे ई मेल में वो गालियाँ देते हैं कि ये नहीं करते जवाब देते नहीं हो बोल देते हो मदद करेंगे ये भी तो सोचो यार और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं बट देखूँ डेफिनेटली मदद करूँगा मैं आपकी ठीक है ऐसा नहीं है आप ही लोगों के लिए लगा लगे रहते हैं यार ठीक है ना तो आप ही लोगों परिवार है यार आपके साथ में जो जुड़े हैं सारा काम आपका करेंगे अब सुनो मेरी बात ठीक है अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक और बचा है दस मिनट की बात और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखो भारत के अंदर पहले दो स्कीम चल रही थी फसल जो है किसान फसल बोता है ऑलवेज उसकी भी इन्वेस्टमेंट होती है खाद लेता है बीज लेके आता है खेत की जुताई करता है ठीक है अपना श्रम लगाता है लेबर लगाता है है ना और मान के चल तो फसल का नुकसान हो जाए छ महीने उसने काम किया उस पर और कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जाए जिसको फसल को नुकसान हो जाए जैसे लोकास्ट अटैक हुआ था बाढ़ आ जाए ठीक है ओले पड़ जाए हेल स्ट्रॉम कुछ ना कुछ होके फसल का नुकसान हो सकता है तो ऐसे में सरकार ने एक स्कीम चलाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है दो स्कीम थी ठीक है अब सरकार काम कर रही है वन नेशन वन स्कीम के ऊपर हम सब कुछ चाहते कि एक देश है तो एक ही स्कीम हो है ना तो उन दो स्कीमों को मर्ज कर दिया गया ठीक है मिनिमम जो है आपका सॉरी जो मिनिमम जो है इस प्रकार की स्कीम हो और मैक्सिमम लोगों तक फायदे इसके पहुंचाए जा सके सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया और एक स्कीम बनाई जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है क्या नाम रखा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना इनके द्वारा आपकी शुरू की गई थी किसानों को अपना जो परिश्रम है जो करके वो फसल उगाते हैं उनकी पैदावार के लिए बीमा सेवा है इट एम टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन द फार्मर एंड एंश्योर द अर्ली सेटलमेंट फॉर द क्रॉप इश्योरेंस क्लेम्स फॉर द फुल इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थी मैंने बता दिया ये पहले जबकि दो योजनाएं थी हमारी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ठीक है और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हमारे पास दो स्कीम थी पहले नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम दोनों को मर्ज करके हमने एक स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना पांच साल उसने कंप्लीट कर लिया बहुत सक्सेसफुली ठीक है तेरह जनवरी दो को ये जो तो स्कीम है ये सारे फूड्स को कवर करती है इट कवर्स ऑल फूड्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी हमारी खाने की और जो तिलहन की जो क्रॉप्स है सबको कवर करती है एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच पास्ट यील्ड्स डेटा इज अवेलेबल एंड फॉर विच रिक्विजिड नंबर ऑफ द क्रॉप कटिंग एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट आर बींग कंडक्टेड अंडर द जनरल क्रॉप एस्टिमेट सर्वे योजना में सभी खाद्य और तिलहनी फसलों और वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों को शामिल किया गया है जिसमें जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या का संचालन भी यहां पर किया जा रहा है द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड किसके द्वारा इट इज एम्पेंडल्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है उनके द्वारा यह है बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके इंप्लीमेंट किया गया है इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो योजना का संचालन है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया, किया जा रहा है द स्कीम इज बिंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है द द स्कीम इज फॉर 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 लोनी फार्मर अवेलिंग क्रॉप लोन अकाउंट नोटिफाइड एंड अदर ठीक है फॉर अदर्स ये आप समझिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया और यूए के बीच में एक मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ऑन द साइंस एंड टेक्निकल कारपोरेशन आप समझ पा रहे हो ठीक है ऑन द साइंस एंड टेक्निकल कॉपोरेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा एक सजेशन है अगर आप लोग बोलोगे तो जैसे इसमें बारह से तेरह टॉपिक में डाल रहा हूं तो हम ऐसा कर सकते हैं छह टॉपिक दिन में करें या छह शाम में या एक साथ करना पसंद जो भी आप करना पसंद करो ना आप सुझाव दे सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उस सुझाव पर हम काम कर लेंगे इंडिया यूएई का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन साइंस एंड टेक्निकल टेक्निकल कॉपोरेशन तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किसको दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत के बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है यूनियन कैबिनेट अप्रूव दंडरस्टैंडिकलपोरेशन बिटवीन द नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यूनाइटेड अरब तो यहां पर यू का जो वहां पर नेशनल सेंटर मेट्रोलॉजी का उसका और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बीच में इंडिया के बीच में जो कोलेबोरेशन उसको मंजूरी दे दी है किसने कैबिनेट ने

दोस्तों शायद कल की पीडीएफ आपको नहीं मिली कल और आज की पीडीएफ दोनों पीडीएफ जो है जस्ट लेक्चर के बाद में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप उपलब्ध हो जाएगी ठीक है इस बात से मैं आपको आश्वस्त करता हूं ठीक है अभी देख लेना आप ठीक है ये किया है साथ साथ इन द फील्ड ऑफ सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान के अंदर में भी दोनों मंत्र दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है दोस्तों समझौते हुए हैं जिससे हम सिस्मिक एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे है ना एंड द पोटेंशियल टू जनरेट द द सिस्मिक सुनामी वेव इन अरेबियन दिस्मिट सुनामीबियंट नोम हम कोलैबोरेट करके हमें जानने का प्रयास कर रहे हैं जो भूकंप आते हैं उससे गल अरब सागर के अंदर और ओमान सागर के अंदर कितने चांसेस है कि वहां पर आपकी सुनामी उत्पन्न हो सकती है उसकी भी चर्चा की जाएगी कॉपरेशन इन अर्ली वार्निंग ऑफ सैंड एंड डस्ट स्ट्रॉम जो सैंड स्ट्रॉम नहीं चलते हैं धूल के आंधी चलती है तो उसका भी अर्ली वार्निंग फॉरकास्ट किया जाए पहले ही वार्निंग जारी कर दे ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ

तो मैं चाहता हूं कला में आप क्या हो दोस्तों निपुण हो ठीक है कला में मैं चाहता हूं क्या हो आप निपुण हो ठीक है तो ये है अफ्रीका इधर और ये है क्या अरब सागर है ना सॉरी अरब आपका अरेबियन कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पर है रेड सी लाल सागर आपको पता होगा ये पारस की खाड़ी और इधर क्या है अरब सागर अरेबियन सी और यहाँ पर है अरेबियन पेनिनसुला द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है क्या यहाँ पर है आपका देश

आप इस कोड का क्या करोगे इस्तेमाल करोगे यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अ शॉर्ट गाइडेंस बाय मी एंड माय टीम पूरी टीम मैं और मेरी टीम आपको क्या करेगी गाइड करेगी याद रहे कोड है मेरा सुमित टेन कोई भी आपको बोले कि ये कोड गलत है ये कोड इनवैलिड है ये कोड सही नहीं है ठीक है उसका फोन नंबर लो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो कर लो और नंबर और नाम मेरे को बता दो एक बार अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि सुमित टेन कोड इनवैलिड है ये नहीं है वो आप मेरे को बताओ आप मेरे स्टूडेंट हो जब भी आप ज्वाइन करोगे दोस्तों यू हैव टू यूज द कोड आपको सिर्फ और सिर्फ सुमिट टेन कोड का ही इस्तेमाल करना है ठीक है लेक्चर आज का हम समाप्त करते हैं प्लस कोर्स पे जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जा सकते हैं गोल में जाके यूपीएससी सी एस सी यहां पर जीएस और ऑप्शनल दो एम गोल आते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों लेने हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों लेना है तो अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में दोस्तों इसको बोलेंगे हम कॉम्बो क्या बोलेंगे कॉम्बो और कॉम्बो के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कॉम्बो के लिए आपको मुझे मेल करना है आप मुझे मेल करेंगे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा आपका हो जाएगा ठीक है कॉम्बो के चार्जेस इसमें है नहीं बाकी आइकॉनिक प्लस के चार्ज ये हैं दोस्तों ठीक है प्लस के ये हैं और इस पर आप जब मेरा कोड लगाओगे सुमित टेन आपको डिस्काउंट ये कोर्स मिलेगा सिर्फ चवालीस हजार के अंदर ये मिलेगा सिर्फ चौसठ हजार के अंदर ये मिलेगा सिर्फ अस्सी हजार के अंदर बस यूज करना है सुमित टेन यहां पर आता है ना ड्यूरेशन आप क्लिक करते हो जस्ट उसके नीचे होता है रेफरल कोड बट यहीं पे डालना होता है क्या आपको सुमित टेन बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आपको मैं पूरा गाइड करूंगा पूरी प्रोसेस बताऊंगा ये आइकॉनिक के चार्ज है आइकॉनिक की यार देखो इसकी प्राइस बढ़ने वाला है पच्चीस जनवरी से और इसके फायदे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से तो मैं तो मिलूंगा देखो अगर आप सुमित एन कोड यूज करते हो तो मेरा गाइडेंस तो है ही है आपके साथ साथ में आइकॉनिक के अंदर में आपको एक एक्स्ट्रा मेंटर भी मिलता है जो आपकी पूरी स्टडी को प्लान करता है है ना तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो ये आइकॉनिक के चार्ज है जो बढ़ जाएंगे पच्चीस तारीख से मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को बड़ा हुआ प्राइस पे करना पड़े सो so, अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन एंड अकेडमी फाउंड मी दैट फिफ्थ ऑफ जनवरी से बढ़ने वाला है तो उससे पहले ही आप जाके क्या करें सुमितन कोड लगाएं और फटाफट इसको क्या कर ले दोस्तों ज्वाइन कर ले ऑन दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद लव यू गाइज कल मिलते हैं दोबारा